हेलो बच्चा लोग क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चे लोग क्या आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनाई दे रही है और आप लोग मुझे देख भी पा रहे हो तो फटाफट एक बार थम्सअप आग साग लगा दो और सब कुछ कर दो जिससे कि हमें समझ में आ जाए जल्दी से बता दीजिए प्लीज बच्चों फटाफट बता दीजिए शुरू करेंगे अपना क्लास एकदम बढ़िया तरीके से और सीखेंगे आज तगड़ा तगड़ा चीज बहुत ही जल्दी 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 से बताइए मैसेज नहीं कर पा रहे हो क्या तुम लोग <laughs> अरे मैसेज नहीं कर पा रहे हो क्या कर रहे हो बताओ ठीक हूं मैं बिल्कुल। थैंक यू चलो शुरू करते हैं आई थिंक आप लोगों को आवाज आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है एक बार मुझे मेरी टीम बता दे बस मैसेज नहीं कर पा रहे हो क्या आज क्या हो रहा है चलो आई होप आप लोगों को आवाज आ रही है और क्लियर है एक मैसेज आया ऑल क्लियर ओके चलो फिर ठीक है ओके यस आई विल फॉलोइंग द लेक्चर 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 प्लानर 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 बिल्कुल को ही फॉलो कर रहे हैं बेटा नया आप लोगों को नहीं मिलाएगा जब से लेक्चर प्लानर हुआ है हम तीन लेक्चर आगे चल रहे हैं और लेक्चर प्लानर को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं ठीक है अब मैसेज आ रहा है चलो थैंक यू बच्चा लोग तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना क्लास और आज बहुत सारा चीज करेंगे लेक्चर प्लान बिल्कुल फॉलो हो रहा है लेकिन ऐसे तलवार लेके खड़े हो जाओगे कि नहीं जो जो चीज़ है जिस दिन उसी दिन कराओगे, तो लेक्चर टू आर्स का भी हो सकता है ऐसे नहीं हो सकता ठीक है चलिए बहुत लोग सिद्धार्थ जी के फैन हैं हरी प्रियली लोग ऐसे कम एज में चले जाते हैं बहुत गलत है एवरीथिंग फाइन सर चलो तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं हेलो बच्चा लोग मैं हूं आदित्य आनंद आप लोगों के सामने और आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर एट जिसमें कि आज अपन कवर करने वाले हैं सबसे पहले एडी करंट को ओके okay. सबसे पहले कवर करने वाले हैं एडी करंट को पहला टॉपिक ही करंट उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन कुछ प्रॉब्लम्स जो कि लास्ट क्लास में हमने सोचा था करेंगे और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एलआर सर्किट वैसे आज का टॉपिक में ये है लेकिन क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैं एडी करंट करवाऊंगा तो इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया ग्रोथ ऑफ करंट एंड डी के ऑफ करेंट स्टडी स्टेट एनालिसिस स्टडी स्टेट आर का भी और एल का भी तुम्हें मैं आर सी सर्किट पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज उसका थोड़ा थोड़ा फील आएगा राइट right? इसके बाद करेंगे बच्चे भी और एकदम सब कुछ होगा आप टेंशन ना लें बहुत ही परफेक्ट होगा बहुत ही बढ़िया होगा अगला क्या है करंट इन वेरियस ब्रांचेस मतलब न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा है चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडी करंट का एडी करंट को समझ लेते हैं क्योंकि हो सकता है कभी कभी थियोरिटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है राइट right? ओके okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीके से तो सबसे पहले मैं एडी करंट को समझाऊंगा हमेशा की तरफ ओके okay, और उसके बाद तुम इसे ढंग से कर लोगे चलिए सर बहुत ही बढ़िया सबसे पहले एडी करंट को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सारे लोग इधर ध्यान देंगे और अपन करंट को सबसे पहले समझ लेते हैं ठीक है होता क्या है ये करंट बहुत ही काम का चीज है पता है तुम्हें वेरी यूजफुल वैसे है हाँ तो ये लॉसेस अ काइंड kind ऑफ of लॉसेस है लेकिन देखो साइंस का कितना ज्यादा बढ़िया बात है कि किसी लॉस को भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं लॉस को भी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मजेदार तरीके से फिर विशाल एकदम मजा ही आएगा बहुत ही जबरदस्त वाला और बहुत ही तगड़ा वाला मजा आएगा तो चलिए देखते हैं इधर जल्दी से पढ़ने वाले बच्चे इधर ध्यान दें चैट करने वाले चैट को देखें और जो सीखने आया है वो चुपचाप चैट को बंद करके मेरा बात सुने बहुत ही अच्छा एंजॉय करेंगे फिजिक्स का ओके सर चलिए का जो है वो एक्चुअल में एक रेंडमनाइजेशन ऑफ करंट से है ये क्या बोल दिया सर समझ नहीं आया बताऊंगा अभी मैं मतलब एक ऐसा डायरेक्शन करंट का जो हम प्रिडिक्ट ना कर पाए इसी रेंडम करंट के चलते

पूरा ध्यान देना इधर एक एक चीज समझ में हमेशा की तरह आएगा सपोज करो मेरे पास एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ओके okay, सर और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया एक मेटल रॉड को मेटल रॉड मतलब मेटल प्लेट बोलो मेटल प्लेट जिसको कि इसके अंदर मैं इंसर्ट करना चाहता हूं ठीक है पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए चैट को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए और पूरा ध्यान इधर होना चाहिए एक एक चीज़ फील आएगा अभी जैसे ही सपोज कर लो मेरे पास ये एक रॉड है और इस रॉड को मैं मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराना चाहता हूं सपोज कर लो ये एक रॉड है हमारे पास और एक एक प्लेट है रॉड वर्ड अच्छा नहीं है एक प्लेट है क्या है एक प्लेट है ओके सर इस प्लेट को मैंने क्या किया है इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एंटर कराना चाहता हूं ठीक है ओके सर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ अरे बड़ी लफड़ा है आ, आज मैं एडिट कुछ नहीं कर पाऊंगा हाँ सही बोल रहे हो सर आप चलो तो ये इसको कवर कर लिया यहाँ पे ऐसे ऐसे बना दिया ठीक है बहुत ही बढ़िया चलो जैसे ही ये प्लेट को मैं एंडर एंटर कराऊंगा तो प्लेट है तो पूरा मेटल ही की है सब जगह यहाँ पे मेटल 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 है हाँ इसका मतलब मैं इसको अगर ऐसा फील कर दू किसी एक दूसरे रेड कलर से मान लो मान लो मैं इसको फील करूँ ऐसे ऐसे तो आई थिंक तुम्हें कोई हर्जा नहीं होनी चाहिए नहीं सर हमें कभी भी कोई हर्जा नहीं होता है तो अभी भी कोई हर्जा हमें नहीं होगा हमें वैसे भी कभी भी कोई हर्जा नहीं होता हाँ ये बात तुमने सही बोली यार बच्चे तुम लोग बड़े ही अच्छे बच्चे हो सिर्फ पढ़ाई करते हो नहीं देखो अब ध्यान देना ठीक है सर ओके लेकिन यार ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है ना यार हाँ ये तो ऐसा है तो जैसे ही इस प्लेट को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाऊंगा तो कहानी क्या हो जाएगा जरा देखना बेटा कहानी कहा परिवर्तित हो जाएगा देखना तो कहानी ये हो गया सर कि मैग्नेटिक था। फील्ड इस रीजन में है, अभी ठीक है? दिया मैं। मैंने क्या, किया? मैंने क्या किया यार बच्चों मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने क्या किया इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए जल्दी से देखना ये पेज से जल्दी से मुझे निकलना पड़ेगा ठीक है सर चलो जैसे इस प्लेट को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाऊंगा क्या होगा जरा देखना जैसे इस प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले गया तो क्या होगा सपोज करो ऐसे ही कोई एक जनरल एक एक लूप में बना लिया यहां पे जनरल कोई भी एक लूप बना लिया सपोज करो मुझे नहीं पता ऐसे ऐसे इनफाइट लूप्स हो सकते हैं लेकिन पूरा बात सुनना पूरा बात सुनना मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और इस प्लेट को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के इंसर्ट किया ठीक अब क्या होगा उसको दूसरे पेज में समझाऊंगा मैं यहां पे थोड़ी दिक्कत हो रही है ओके okay, सर आपके पास एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ही बढ़िया बात है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या किया एक प्लेट को एंटर करवाया सर जैसे इस प्लेट को क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एंटर करवाया अब क्या हुआ सर स्प्लिट के अंदर बहुत सारे ऐसे रेंडम तरीके से लूप्स क्रिएट हुए अब जैसे ये किसी किसी वेलोसिटी से या ऐसे लूप के अंदर एंटर करवाओगे तो होगा क्या इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा क्यों सर फ्लक्स क्यों चेंज होना शुरू होगा क्योंकि बेटा एरिया ये यहां है अब एरिया हो गया पहले इतना सा एरिया था मतलब एरिया बढ़ने लगा हाँ सर एरिया बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है ये तो जैसे ही इस प्लेट को पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले गया तो इसके चलते मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगा क्या होने लगा फाइव बी फाइव बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के चलते मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा चेंजेस और इसके चलते इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करेंट डेवलप हो जाएगा एक इंड्यूस्ड करेंट डेवलप हो जाएगा क्योंकि जैसे ही ये ये जो प्लेट है ये पूरा का पूरा प्लेट है भैया भाई, ऐसा, ऐसा 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 यानी कि ये मेटल प्लेट में जो लूप का डायरेक्शन है वो तो एक महीने ऐसे ही बनाया लेकिन तुम फील करो कि ऐसे तो इनफिनाइट प्लेट्स हो सकते हैं ये तो मेटल है ऐसे तो इनफिनाइट लूप्स क्रिएट हो सकता है क्योंकि मेटल है कोई गाइडेड पाथ तो है नहीं ना गाइडेड पाथ मतलब जिसके थ्रू करंट जा सकता है एक्चुअल में ये कोई पाथ तो है नहीं सर है ना तो क्या होगा क्या होगा बेटा यहां पे जैसे ही तुम इसमें ये वाला ये जो है ये वाला प्लेट इसको अंदर ले जाओगे अंदर ले जाओगे अंदर ले जाओगे तो इसको अंदर ले जाने से क्या हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करेंट डेवलप हो जाएगा अब ये इंड्यूस्ड करंट जो होगा रेंडम डायरेक्शन में होगा द रीजन इज इसके अंदर इनफाइनाइट लूप्स पैदा हो जाएगा एक लूप ऐसे भी हो सकता एक loop है एक लूप ऐसे भी हो सकता एक loop है एक लूप ऐसे भी हो सकता एक loop है एक लूप ऐसे भी हो सकता है हो सकता। यार करंट के पास कोई तार नहीं है जुड़ा हुआ अभी अभी तो पूरा का पूरा प्लेट है ये और उसके अंदर से फ्लक्स चेंज हुआ तो वो इंड्यूस करेंट का एक्चुअल डायरेक्शन पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर जो इंड्यूस करेंट होगा दैट करेंट इट स्टार्ट सर्चिंग द पाथ ऑन विच द इंड्यूस करेंट स्टार्ट मूवी तो इंड्यूस करंट तो जन्म ले लिया भाई लेकिन अब उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है और ऐसा समझो कि अनंत रास्ते हैं क्यों क्योंकि ये कंडक्टर्स है अगर ऐसे पाथ की बात करोगे तो इसके पास प्लेट्स कंडक्टर तो है यानी कि कैसा भी कैसा भी तार कैसे भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है गेटिंग क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या होगा यहां पे कहानी कि इसके अंदर जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा इस इंड्यूस करंट का कोई भी गाइडेड पाथ नहीं होगा और इसके पास क्या होगा यह इंड्यूस करंट खुद ही अपना रास्ता ढूंढने लगेगा ढूंढने लगेगा ढूंढने लगेगा आज तक ऐसा नहीं होता था आज तक हमेशा एक तार रहता था और जिसके चलते फ्लक्स वक्स चेंज हो जाता था इंडक्टर के थ्रू तो ये तार के थ्रू हमें पता है यह गाइडेड पाथ से चलता था है ना हमें पता है ये गाइडेड पाथ से चलता था गाइडेड पाथ का क्या मतलब है कि करंट इंड्यूस हुआ ऐसे वैसे इसी में चलेगा हवा में थोड़ी चलेगा यार करंट नहीं, नहीं 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 लेकिन यहां पे क्या होगा ये लूप्स रेंडम तरीके से बनना शुरू हो जाएगा क्यों क्योंकि एक जो प्लेट है इसके अंदर तो इनफाइट वायर्स है ऐसे समझ लो तुम एक जो प्लेट है प्लेट क्योंकि वो मेटल का है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी मूव कर सकता है उसके सरफेस के ऊपर तो इस सरफेस में करंट आ जाता है यहां पे और उस करंट का डायरेक्शन कोई एक गाइडेड डायरेक्शन नहीं होता अनगाइडेड डायरेक्शन होता है तो करंट का एग्जैक्ट डायरेक्शन यू कैन नॉट डिसाइड तो नो वन कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ दिस दिस करेंट एंड देंट ट तो so, अब जो इस प्लेट के सर्फेस के ऊपर ड्यू टू देंज इन फ्लैक्स डेवलप्ड इंड्यूस करेंट एंडल दो हेयर देर इज नो गाइडेड पाथ सो करेंट इज मूविंग इन रेंडम डायरेक्शन अब क्या होगा जैसे ही करंट रेंडम डायरेक्शन में मूव करने लगा तो उसके करेंट रेंडम रेंडम पाथ बना लेगा ढेर सारे पाथ बना लेगा हाँ अब क्या होगा अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है करंट अगर ऐसे मूव किया इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव क्या होगा करंट अगर ऐसे ऐसे मूव किया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव क्या होगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन से या कंडक्टर के ऊपर अच्छा तो अब यार खतरनाक तरीके से होगा एक ऐसा फील करो इमेजिंग करो एक ऐसा सिचुएशन जहां पे एक रूम है और इसके अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ थिंग्स है कुछ भी है Things मैंने बोला तुम हो तुम ही 500 500 बंदे को मैंने रूम में दे दिया और उसको इतना एनर्जी दे दिया कि उसे अब रास्ता चाहिए भागने का तो क्या होगा भाई कोई अगर ऐसे भागेगा या कोई ऐसे भागेगा कोई ऐसे भागेगा कोई ऐसे भागेगा, कोई ऐसे भागेगा लेकिन टकराएगा जरूर तो इसमें क्या होता है कॉलीजन स्टार्ट होने लगता है तो इन कॉलिजन के चलते ये क्या होता है यहां पे हीट अप होने लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग स्टार्ट हो जाता है मतलब ये जो फ्लक्स है जिसके चलते एनर्जी का क्रिएशन हो रहा था वो अब लॉस होने लगता है क्यों क्योंकि कॉलिजन हो रहा है तो एनर्जी का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे दो तीन बातें हमने बताई पूरा का पूरा पहला तो फ्लक्स चेंज होने के चलते यहां पे रेंडम डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट होता है और वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम एक्चुअल में डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो वो रेंडमनाइजेशन ऑफ करेंट इसलिए होता है क्योंकि मेटल है ये हवा नहीं है बड़ा हुआ प्लास्टिक नहीं है तो इसमें बहुत सारे कोई भी लूप बना सकता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मूव कर सकते हैं उसके चलते इसमें क्या हुआ उसके चलते इसमें करंट इंड्यूस हो गया और करंट इंड्यूस होने के चलते ये करंट इतना ज्यादा रेंडम डायरेक्शन में हुआ कि ये कॉलिजन के चलते और काइनेटिक एनर्जी के लॉस के चलते इसके अंदर एनर्जी हीट अप हो गया गर्म होने लगा ये तो एनर्जी का भी लॉस हो गया जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के नाम से अभी समझने वाले हैं तो यहां तक आई होप आप लोगों को सब कुछ पूरा का पूरा समझ में आ गया है और यह बात पूरा का पूरा समझ में आ गया कि किस तरीके से यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट है तो अब इसको मैं पूरा डिटेल में पहले समझाता हूं जो जो बोला जरा सा सुनिएगा अच्छे से एडी करंट है क्या सर एडी करंट का कॉन्सेप्ट यह है एडी एडीकरेंट र प्रोड्यूस्ड ऑन द सर्फेस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी कंडक्श कंडक्टर कंडक्टर ऑन द सर्फेस ऑफ एनी कंडक्टर यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह होता क्यों है वेन प्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस और वी कैन से दैट कंडक्टर इन बल्क इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि एडी करंट का सारा का सारा खेल किसी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर है तार में एडी करंट नहीं होगा क्योंकि उसमें गाइडेड पाथ है तो इसके चलते क्या होगा यहाँ पे कंडक्टर के सरफेस पे फ्लक्स के चेंज होने से पूरा का पूरा करंट आ जाएगा और यदि मजा आएगा मस्त तो आग लगाना लेकिन पूरा समझाने दो पहले फिर डायरेक्शन और सेंस ऑफ एडी करंट के बारे में क्या बोलोगे इसका कोई डायरेक्शन हम नहीं बता सकते सर तो इसको हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है द करेंट इंड्यूस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर आर लाइक करलिंग एडिंग इन वॉटर जैसे वाटर में कोई एक डायरेक्शन जैसे बहुत हाइट uh, से तुम वो फ्लो करवाते हो जैसे टर्बुलेंट फ्लो की बात करते थे वाटर में उसका डायरेक्शन कैसा होता था कोई डायरेक्शन ही नहीं है ऐसे होता है कोई ऐसे होता है कोई ऐसे होता है कोई ऐसे ऐसे निकल जाता है कोई ऐसे घूम जाता है कोई ऐसे घूम जाता है इस तरीके का रेंडमनाइजेशन हो जाता है उसके अंदर द डायरेक्शन ऑफ दिस करेंट इज रेंडम एंड चेंजेस विद टाइम पता ही नहीं रहता है कहीं पे भी घूम सकता है डक्टर मूव एंड इन आउट जैसे हमने अंदर किया जैसे हमने बाहर किया डायरेक्शन so तो सारे के सारे चीजें बता दिया है रीजन क्या है एडिक्रेंट का यह भी मैंने बता दिया है जरा वो भी देख लो एडिकेंट आर इंड्यूस्ड वेन फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस थ्रू एनी कंडक्शन इन बल्क ओके बल्क में अगर कंडक्टर है तब एडी करंट होगा एक वायर अगर कंडक्टिंग है तो उसमें नहीं होगा ये ध्यान रखना दीज करेंट्स आर नॉट डिस्क्राइबएबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे तुम डिस्क्राइब नहीं कर सकते इसका एग्जैक्ट पाथ नहीं बता सकते हो बिकॉज़ दे कॉज हीटिंग ऑफ द कोर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रांसफार्मर एंड सो कॉज द लॉस ऑफ एनर्जी ये थोड़ा इंग्लिश अच्छा सा लिखा हुआ है किसी बुक का लैंग्वेज का, especially के को आजकल तो सर्फ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बल्क में कभी भी तुम कंडक्टर के बल्क में थोड़ी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही कंडक्टर के अंदर करंट आ सकता है ये तो बताया तो कभी भी कंडक्टर के सरफेस पे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरसेक्शन होगा तो कोई भी कंडक्टर लो कैसा भी कंडक्टर लो उसके सरफेस पे ही करंट मूव करेगा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है इंडक्टिव फील्ड नहीं है तो अंदर में करंट नहीं हो सकता अनगाइडेड करंट कभी भी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो सकता तो बच्चों यहां तक हर एक चीज मैंने क्लियर कर दिया है और यस डेफिनेटली आईज एनर्जी का लॉस हो रहा है और यहां पे पूरा का पूरा यह चीज हमें समझ में आ गया है तो 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 आई होप आप लोग पूरा पूरा का का सब चीज़ एकदम मस्त मजा मजा ले लिए हो जीवन का, तो बहुत ही बढ़िया आया कोई दिक्कत की बात नहीं है आज कुछ होगा शायद इसीलिए मैसेज इतना स्लो आ रहा है know, लेकिन कोई बात नहीं है आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए मुझे पता है कि बच्चे एकदम लगे हुए रहते हैं और उनका मैसेज आता रहता है एडी का मतलब ही होता है क्या रेंडम रेंडम चीज अनगाइडेड चीज यस यही है सिनोनिम ठीक है बहुत ही बढ़िया थैंक यू बच्चा लोग चलिए अब हम देखेंगे कि, कि किस तरीके से इसका एप्लीकेशन है इस एडी करंट का कैसे रियल लाइफ में एप्लीकेशन है तो जल्दी से देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है कुछ ओके okay, सर तो करंट का हम लोग यूसेज यूसेज इन सर्टेन एप्लीकेशन तो यूसेज इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है मैंने बोला ना कि ये बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम जैसे हाई स्पीड ट्रेन होता है फ्रांस में या फिर चाइना में हमारे यहाँ भी बनाया जा रहा है तुम समझ ही रहे हो तो वहां पे इस तरीके के मैग्नेटिक ट्रेनस होते हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया जाता है और उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के गाइडेड के थ्रू मतलब मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड उसके वेट को बैलेंस करता है और एक दूसरा उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता है तो अगर मान लो सपोज कर लो इलेक्ट्रिक इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर आया तो दो तरीके का चीज हो सकता है क्या सर मैग्नेटिक फील्ड उसके वेट को बैलेंस करके थोड़ा सा एयर में लिफ्ट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसे आगे की तरफ बढ़ा देता है यस yes, तो यहां पे एडी करंट क्या होता है उस ब्रेक को उस ट्रेन को रोकने में मदद करता है कैसे देखो जैसे ही उसको रोकना होता है तो वो क्या करता है वो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू कोई प्लेट्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराया जाता है और वो काइनेटिक एनर्जी होता है उसके अंदर किसके अंदर काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर होता है उस ट्रेन के अंदर तो वो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो लॉस होता है हीट में और स्पीड कम हो जाता है उसको थोड़ा सा ढंग से समझो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अब रेल्स इन सम इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन राइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो फिर क्या हुआ वेन द इलेक्ट्रो मैग्नेट्स आर एक्टिवेटेड द एडीकरेंट इंड्यूस्ड इन द रेल्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ट्रेन तो जिधर मोशन है ट्रेन का उसके अपोजिट डायरेक्शन में एडी करेंट इंड्यूस होता है जिसके चलते स्पीड को रोका जाता है as there are no mechanical linkage why it is saying that there is no mechanical linkage क्योंकि ट्रेन का जो व्हील्स है ना बेटा इस ट्रेन का व्हील्स को क्या किया जाता है यहां पे लिफ्ट किया जाता है एयर में इसका जो mg है उसको किसी एक मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस किया जाता है या इलेक्ट्रिक फोर्स से और यहां पे इसे वेलोसिटी प्रोवाइड किया जाता है इधर। और इसके अपो इसको रोकना है तो ये पटरी से पटरी से थोड़ा सा हवा में रहता है ये एकदम से नहीं रहता ये जो ये जो तुम्हारा रेल्स का पटरी है ना रेल्स है जिसको बोलते हो उससे थोड़ा सा हवा में इसीलिए लिखा हुआ है एज आर नो मैकेनिकल मैकेनिकल लिंकेज लिंकेज देखो mechanical linkage, मतलब पहले तो तुम जानते थे कि हमारे यहाँ इंडियन ट्रेन क्या चल रही होती है बिल्कुल उसके ऊपर हवा में थोड़ी उठ जाता है यार नहीं वो जो व्हील्स होता है वो बिल्कुल रेल्स के ऊपर ही होता है कांटेक्ट होता है मैकेनिकल कांटेक्ट लेकिन यहाँ पे क्या हुआ इसको थोड़ा सा हवा में लिफ्ट किया गया है ठीक है एक अलोक कुछ बोल रहे हो सर करंट को सरफेस फिनोमिना बोल रहे हो तो नोट्स में बल्क लिखा हुआ है कैसे कैसे अरे यार तुम लोग थोड़ा ढंग से इंग्लिश पढ़ा करो मैंने बोला अगर बल्क में है कंडक्टर इसका मतलब एक तार नहीं है कंडक्टर बल्क में है तो सरफेस में वो चार्ज इंड्यूस होगा वो लिखा हुआ है इंग्लिश को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना बेटा ठीक है ओके तो यहां पे हमें समझ में पूरा का पूरा चीज आ गया है सर कि किस तरीके से मैग्नेटिक ब्रेकिंग इंट्रेंस में ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं ट्रेन को रोकने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अब डैम्पिंग का मतलब क्या है जैसे सपोज को एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं सपोज को मेरे पास एक मैग्नेट है अच्छा मैग्नेट है ओके और इसको शुरुआत में कोई वेलोसिटी दे दिया मैंने वी वेलोसिटी दे दिया सपोज कर लो और मैंने इस मैग्नेट को क्या किया है इस मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया सपोज करो यस देखो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग तुरंत समझ में आ जाएगा तुम ओके सर अब क्या होगा देखो जैसे इसको इसको मैंने यहां पर हैंग कर दिया मैग्नेट को और इसको इधर की तरफ क्या किया वेलोसिटी दे दिया अभी टक चलो बहुत बढ़िया तो ये जैसे यहां पर हैंग है सर बहुत ही अच्छा बात है मैग्नेट है आपका जैसे ये इधर जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा हो तो का इसके, में हो yes, बढ़िया। फिर क्या हो इसके अंदर वो जो करंट होगा उसके चलते, में हो जिसके चलते हीट लॉस होगा yes, तो ये कुछ दूर जाएगा लेकिन जब ये दोबारा से वापस आएगा तो करंट पहले जिस डायरेक्शन में था उसका अपोजिट होगा क्यों क्योंकि जब यह एंटर कर रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा फिर एक टाइम पे फ्लक्स कांस्टेंट होगा और फिर फ्लक्स घटने लगेगा तो करंट तुरंत से रिवर्स डायरेक्शन में होगा जिससे फ्लक्स को वो अपोज करे हाँ तो कुछ लॉस हो गया एनर्जी का फिर से जब दोबारा से ये एंटर करेगा इधर तो दोबारा से सेम फिनोमिना कर करेगा मतलब ये फिनोमिना रेगुलर होता जाएगा और ये अगर यहां पे यहां तक गया है तो ये एंगल अगर थीटा वन है थीटा है तो अगला थीटा वन होगा और ये कम होगा डिस्टेंस

जैसे सपोज कर बॉल के पास और यहां पे कर करो हनी है हनी समझते हो ना बाबा रामदेव का हाँ सर हनी समझ गया हनी ऐसे ऐसे थोड़ा सॉलिड होता है तो ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ ये है हनी हनी मतलब क्या एक विस्कस लिक्विड की बात करना चाहता हूं और यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है सपोज कर लो ये स्फेरिकल बॉल है ओके मेटल का यहाँ पे एडी करंट नहीं होगा समझाने की कोशिश करो मेटल एडी करंट समझने लगे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा बॉल, बॉल तो हो इसके ऊपर की तरफ एक सिक्स आरबी का फोर्स लगने लगता है क्या होता है खत्म होने खत्म होने गया एक जगह आके सेटल हो जाएगा फिर बहुत स्लोली मोशन में नीचे जाएगा वेट के चलते जाएगा अदरवाइज एक ही जगह हो सकता है पड़ा रहे तो पहले तो था काइनेटिक एनर्जी और धीरे-धीरे धीरे-धीरे एनर्जी क्या हो गया लॉस हो गया तो वही मैकेनिज्म यहां पे भी हो रहा है बोल रहा है सर्टेन गैल्वेनोमीटर हैव अ फिक्स्ड कोर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल्स रुक जाओ इसको समझ लो रुक जाओ व्हेन द कॉइल्स ऑसिलेट कॉइल्स या फिर मैग्नेट्स कॉइल्स या ऑब्लिक मैग्नेट भी लिख देता हूं मैग्नेट या कॉइल भी ले सकते हो तुम

तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा चीज हम लोगों ने समझ लिया है बच्चों कि किस तरीके से एक तरह इलेक्ट्रो मैग्नेटिक में इसका यूज हो सकता है ये ये टर्म्स को छोड़ दो इस टर्म का मतलब नहीं है अभी यहाँ पे और दूसरा मैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेन में यूज हो रहा है फिर तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं जल्दी से इसको मुझे हटाना है तो मैं हटा ही देता हूँ ये ये गैलवानोमीटर एंड ऑल इसका मीनिंग तुमको अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने वो वो एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं ठीक है सर दूसरा क्या है सर दूसरा बताया इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस इज अनदर एग्जाम्पल इंडक्शन फर्नेस इज अनदर एग्जाम्पल मैं बहुत ज्यादा पीपीटी आज देख नहीं पाया ना इसीलिए कुछ पॉइंट होंगे तो कोई बात नहीं है आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है को, कोई बात नहीं है देखो इसको ये थ्योरी है पहले बात को समझो देखो पहले मेरा बात समझो तुम्हें तो यह समझ में आना चाहिए कि एडी एडीकरेंट से कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है कभी भी और कॉन्सेप्ट जो है ये पूरा थियरिटिकल जहां भी थियरिटिकल कॉन्सेप्ट है वहां तुमको समझने में दिक्कत हमेशा आती है तो यहां पे बस इतना सा समझना है कि किसी भी एक कंडक्टर के ऊपर यदि उसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराओगे तो उसके अंदर इंड्यूस करेंट होता है वो इंड्यूस करेंट किसी भी रेंडम डायरेक्शन में होने लगता है और उस रेंडम डायरेक्शन में मूवमेंट के चलते उसके अंदर एक हीटअप हो जाता है जिसको कम करने के लिए हम कुछ करते हैं अभी मैं बताऊंगा लेकिन पहले जो चीज हो रहा है उसके एप्लीकेशंस को समझो और उसका एप्लीकेशन को मैंने अब तुम्हें बताया कि एडी करंट के एप्लीकेशन क्या है मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में है हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक कंडक्टर कंडक्टिंग मतलब एरिया सरफेस एरिया को ले जाते हैं तो वेलोसिटी के ऑपोजिट में एनर्जी का लॉस होता है जो वेलोसिटी को रिड्यूस कर देता है खत्म फिर दूसरा एप्लीकेशन मैंने तुम्हें क्या बताया कि कहीं पे भी किसी भी मैग्नेटिक ट्रेन में या कहीं पे भी ब्रेकिंग सिस्टम में इसे यूज किया जा सकता है फिर फर्स्ट एप्लीकेशन फिर दूसरा एप्लीकेशन मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग डैम्पिंग का मतलब ही होता है लॉस ऑफ एनर्जी डैम्पिंग का मतलब ही होता है लॉस ऑफ एनर्जी डैम्पिंग का मतलब ही है लॉस ऑफ एनर्जी तो यहां पे क्या होगा एनर्जी का लॉस भी होना शुरू हो जा रहा है जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया और इसका रियल एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हें बताया कि किस तरीके से तुम किसी लिक्विड में डाल के करते हो और यही चीज यहां पे बताया कि मैग्नेटिक्स में क्यों हुआ ऐसा क्योंकि फ्लक्स के चेंज होने के चलते बार बार ऑसिलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया क्योंकि यहां पे एक ऐसा चीज़ है जो एनर्जी का लॉस करा रहा था और वो कौन था एडी करंट डेवलप कर करके जो कि अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा था तो जितना मैं बता रहा हूं बस वो उतना ही है उतना ही समझना है एक्स्ट्रा नहीं समझना है ठीक अब अगला देखो अगला क्या कॉन्सेप्ट है इंडक्शन फर्नेस में इसका यूज होता है जल्दी से देखिए इंडक्शन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर ओके एंड कैन बी यूटिलाइज टू प्रिपेयर अलॉय बाय मेल्टिंग द कंस्टिट्यूएंट मेटल हाई टेम्परेचर और तुम्हें क्या है वहां पे मेल्ट किया जाता है किसको बहुत सारे मेटल्स uh, को और एल का फॉर्मेशन किया जाता है लेकिन अब तुम्हें चाहिए हाई टेम्परेचर अब वो हाई टेम्परेचर कहां से मिलेगा वो ये देगा कौन सा इंडक्शन हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करेंट इज पास थ्रू अ अल विच सराउंडेड द मेटल्स टू बी मेल्टेड अब क्या किया तुमने मेटल है मेटल के ऊपर क्या किया पूरा का पूरा, पूरा क्वाइल लगा दिया और यहां पे कॉल लगाने के बाद क्या किया तुमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया इससे क्या हुआ हाई फ्रीक्वेंसी के चलते क्या हुआ जरा सा देखो हाई फ्रीक्वेंसी के चलते क्या हुआ जरा देखो हाई फ्रीक्वेंसी के चलते ये ऐसे है ये इन जनरल फ्रीक्वेंसी है इसको अगर बढ़ा दोगे तो इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी देखो यहां पे एक टाइम इंटरवल में ये दो बार ऑसिलेट किया लेकिन ये इतने ही टाइम में दस बार ऑसिलेट कर गया मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो प्लस और माइनस वाला था ये या ऑल्टरनेटिंग करंट पहले पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ये एक्चुअल में क्या हो रहा है बहुत पार्ट डायरेक्शन करंट का ऐसे 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 तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इधर की तरफ होगा और जैसे ही करंट पलटी मारेगा तो पहले तो इधर था ये घटाने की कोशिश करेगा तो थिंक अबाउट द सिचुएशन कि अगर कोई ऐसा कोर है मेटल का और उसके ऊपर बहुत सारे करंट के आ, को तुमने मूव कर रखा है वह उसी को समझ में आएगा जो मेरा बात समझ रहा है जो सुन रहा है उसी को समझ में आएगा ठीक है तो आप लोग पूरा ध्यान दीजिए इधर कोई भी थियोरिटिकल टॉपिक अगर आप ध्यान से सुनोगे तब समझ में आ जाएगा तो चलो इधर देखो जल्दी से तो यहां पे ऐसे ही कोर है इसके ऊपर मैंने मैंने क्या क्या किया किया ऐसे 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 बहुत बार क्या किया? मैंने मेटल का मूवमेंट करा दिया अब मैंने करंट पास कराया करंट पास कराने से क्या हुआ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गए हां सर अब वो करंट को फिर से रिवर्स डायरेक्शन में पास कराया क्योंकि ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है थोड़ी देर पॉजिटिव थोड़ी देर निगेटिव मतलब डायरेक्शन इधर और डायरेक्शन इधर तो पहले डायरेक्शन इधर था तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर था तो ये क्या किया होगा इंड्यूस करंट पैदा किया होगा इसे घटाने की कोशिश क्या होगा हाँ लेकिन जैसे ही करंट तुरंत से चेंज होगा वो क्या होगा दोबारा से इंड्यूस करंट को फिर से डेवलप कर दिया होगा उसे कम हो रहा होगा तो बढ़ाने की कोशिश करेगा घट रहा होगा तो बढ़ रहा होगा तो कम करने की कोशिश कर रहा होगा तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही सारे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा करंट तुरंत तुरंत चेंज होना शुरू हो जाएगा तो उसके चलते वो जो मेटल होता है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है और वहां से इंडक्शन फर्नेस में तुम किसी भी चीज को क्या करते हो मेल्ट कर सकते हो तो फिर यहां द मेटल्स प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूसरेचर सफिशियंट टू मेल्ट इट तो अब यहां पे ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट था इसका क्या था अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू अ क्वाइल तो क्वाइल के थ्रू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव

यस yes. तो अब अब एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ पे जरा सा देखो अब अगला चीज को अगला क्या है इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में इलेक्ट्रिक पावर मीटर में मैंने तुम्हें बताया था क्या गैल्वेनोमीटर यूज होता है देखो द शाइनी मेटल डिस्क इन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर एनालॉग टाइप रोटेट्स ड्यू टू करंट अब वहाँ पे ये ये ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन कभी कभी थ्योरी में डायरेक्ट आ सकता है कि इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स जो होता है उसमें जो मेटल डिस्क होता है छोटा सा वो नहीं मेटल डिस्क जो होता है वो 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 रोटेट जो हमेशा ऐसे-ऐसे कर रहा होता है, किसके लिए कर रहा होता है एडी करंट के चलते कर रहा होता है यस इलेक्ट्रिक करेंट आर इंड्यूस्ड इन द डिस्क बाय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय साइनस वेरिंग करंट इन कॉइल फिर से वही कॉन्सेप्ट है के अंदर से इडली चेंज कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो चेंज होगा तो फ्लक्स के अंदर क्या हो जाएगा फ्लक्स चेंज होगा और उसके चलते वो क्या होता है है रोटेट करने लगता मैग्नेटिक टॉर्क पैदा हो जाता है ऑब्जर्व द द रोटेटिंग शाइनी डिस्क इन पावर मीटर ऑफ योर हाउस ये जाके आज घर में देख के आना तो तुम्हें तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे मीटर ऑन है वो अपने आप क्यों रोटेट हो रहा है उसमें तो कुछ है ही नहीं वो सिर्फ ऐसे सेट होता है जाके देखना अभी ऐसे सेट होता है उसको कोई मैकेनिकली मूव नहीं कर रहा होता है लेकिन वो अपने आप अपने आप क्यों मूव कर रहा है प्रियांशु क्या बोल रहे हो ठीक है इधर देखो इधर देखो इधर देखो तो तुम अपने घर में मीटर जाके देखो क्या होगा एक छोटा सा भी वो जो होता है वाइट कलर का डिस्क वो उसको देखोगे तो क्या होगा उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के चलते क्या होगा उसके अंदर एक करंट करंट डेवलप होगा और में तुम्हें बताया था एम क्रॉस बी नाम का टॉर्क पैदा हो जाएगा क्रॉस नाम का टॉर्क पैदा होगा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन है करंट का उसके चलते आई इंटू ए मैगनेटिक मोवेंट आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड है तो वो रोटेट करने लगेगा रोटेट करने लगेगा यस यह ये हमेशा क्या होगा नहीं मेरा कुछ तबीयत खराब है अभी ऐसा कुछ नहीं है मैं ठीक हूं बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है कुछ भी आप लोग बस ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ने में और मेरा तबीयत भी खराब है तो मैं बहुत ज्यादा चिल्ला भी नहीं रहा आज बोरिंग बनता है तुम्हारे चलते यहाँ यहा पे हॉलीवुड का मूवी नहीं है बताया था मैंने तुम्हें तो पढ़ाई का कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है तुम्हारा तो इसको समझने के लिए स्ट्रेस की ही बात थी अब जितना चीज मैंने बताया उतना अगर तुम बहुत ही बढ़िया कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा लेकिन नहीं करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा अब यहां पे अब इस इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर ढंग से समझ लिया होगा तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा ठीक है ना अभी हम क्वेश्चंस भी ले लेते हैं चलो अब आगे देखते हैं तो ये सारा करंट का कॉन्सेप्ट है इसको एक बार अच्छे तरीके से हम लोग देख लेंगे चलिए आगे क्या है सर आगे एक क्वेश्चन है जरा सा फटा फटाफट बता दो नीट का ही बहुत पुराना क्वेश्चन है कमिंग आता है इसके ऊपर क्वेश्चन एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन होगा एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल इज किप्ट इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जल्दी से बता दो अ मेटल इज किप्ट इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड तो हमने क्या बताया है सर यहां पे एडी करंट तो तब होगा जब फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज तब होगा जब या तो बी चेंज हो या तो ए चेंज हो या कुछ भी चेंज हो, तो क्या हो जाएगा इसका इज इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्योंकि मेटल तो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के चलते इसमें बी चेंज होगा तो बी चेंज होगा बी चेंजेस तो फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने के बाद ही होगा लेकिन अगर कैप्ट करके रखोगे स्टडी में तो नहीं होगा सर्कुलर क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे फ्लक्स फ्लक्सेंट होगा नहीं होगा सर्कुलर क्वाइल करंट पास कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड फील्डेंट होगा फ्लक्स आंसर ए है तुम्हारा सही बात सबने बोला सही अगला क्वेश्चन बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज 2019 थाउजेंड का नीति में पूछा गया क्वेश्चन है ये नू? 2019 में पूछा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज एडी करेंट इफेक्ट इज नॉट यूज क्या इंडक्शन फर्नेस में तुमने यूज किया था यस yes, सर बिल्कुल किया था क्या मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन में किया था यस yes, सर बिल्कुल किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हुआ था यस yes, सर बिल्कुल हुआ था तो किस में नहीं हुआ था इलेक्ट्रिक हीटर में इलेक्ट्रिक हीटर का कॉन्सेप्ट होता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट जूल सीटिंग इफेक्ट आई स्क्वायर आर टी इसके चलते इसमें हीट डेवलप होता है किसके चलते आई स्क्वायर आर टी के चलते हीट डेवलप होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक हीटर जो तुम घर में यूज कर सकते हो उसके अंदर जूल सीटिंग इफेक्ट के चलते वो गर्म होता है ना कि एडी करंट के चलते गर्म होता है आंसर क्या है इलेक्ट्रिक हीटर टू में पूछा गया तो जितना चीज मैंने बता दिया तुम्हें एडी करंट के बारे में वो एट मैक्स था सारे बुक सारे कॉन्सेप्ट सबको मिला के मैंने सारे चीजों को एक जगह ले आया था अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि इसको लॉसेस को क्या बचाने का कोई तरीका है yes, तो मेथड है जिससे तुम एडी करंट के लॉस को बचा सकते हो कम कर सकते हो और वो क्या है वो मैं बता देता हूँ इसको बचाने के लिए जनरली लोग क्या करता है ऐसे कोई मेटल लिया और उसके अंदर ऐसे ऐसे स्लॉट्स बना देते हैं इसका क्या फायदा हुआ अब जब तुम इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हो तो लूप का फॉर्मेशन नहीं बन पाता अब यदि तुम मैग्नेटिक फील्ड में इसे ले जाओगे तो बहुत सारा लूप का फॉर्मेशन नहीं बन पाएगा देखो जरा सा क्योंकि लूप अगर मेटल बनाने की कोशिश करेगा तो ये यह यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये तो खाली पोर्शन है इतने में बना पाएगा लेकिन पहले जो और सारे में बना पा रहा था वो नहीं तो बहुत सारे लूप्स ये ब्रेक कर देगा और अंदर जाएगा तो ये खाली जगह है इसमें थोड़ी बना पाएगा वहां पे चार स्टोरी मूव कर पाएगा इस तरीके से स्लॉट्स बनाए जाते हैं कुछ ऐसे सर्कुलर स्लॉट्स भी बनाए जाते हैं ये पोर्शंस को हटा दिया जाता है खाली 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 कर दिया जाता। तो इसको इस तरीके से स्लॉट्स कभी-कभी तुम देखे होगे किसी-किसी प्लेट्स में ऐसे होल्स क्रिएट किया जाता है वो इसीलिए ताकि मैग्नेटिक इफेक्ट्स को क्या करे वो कम करते हैं एडी करंट के लॉसेस को बचा लें

अच्छा सर। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से किसी दो पॉइंट के बीच में अगर इंडक्टर है, है, बैटरी है, रेसिस्टर है, तो तो फटाफट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं और देखते हैं कि ए बी इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ठीक है

तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जरा सा देखो बेटा बढ़िया तरीके से ये समझ में आएगा आपको कि इसके थ्रू तो कोई पोटेंशियल ही नहीं तो मेरा वाला फॉर्मूला लगा दो ओके करंट इधर ही जा रहा है तो माइनस लिख के ये वाला में तो कुछ हुआ ही नहीं जीरो फिर यहाँ पे माइनस फाइव वोल्ट ये हो गया माइनस फाइव और यहां पे आई इंटू आर आई का वैल्यू कितना दे रखा है टू एमपियर तो क्या लिखोगे माइनस क्योंकि ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस टू इंटू R का वैल्यू टू तो आंसर कितना हो गया माइनस फोर और ये माइनस नाइन और ये क्या होगा प्लस नाइन क्या नाइन वोल्ट का ऑप्शन अभी तक किसी बच्चों ने लिखा है क्या नाइन वोल्ट की बराबर और रुद्राक्ष रुद्राशीष मोजूमदार यस बच्चे नाइन वोल्ट आ गया मोहित का भी आ गया बाकी लोग करे जा रहे हैं दस नौ एक मत निकालो नाइन ही सब निकालो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है सेम क्वेश्चन का करंट बताओ आई इज इक्वल टू टू एम्पियर एंड इज इंक्रीजिंग एट ऑफ वन एम्पियर पर सेकेंड सेम क्वेश्चन है यही एक इंडक्टर एक बैटरी और एक रेसिस्टर। एक इंडक्टर, एक बैटरी और एक रेसिस्टर। ये रहा बी ये रहा ए करंट का वैल्यू कितना है टू एम्पियर ओके बैटरी कितने का है पांच वोल्ट का है टू ओम का एल का वैल्यू नहीं पता देख लेता हूं वन हेनरी का है पांच माइनस दो आई है ना और ये वन हेनरी का है जल्दी से इस बार बता दो अगर किसी ने गलती नहीं किया हो तो बी ए माइनस बी बी करेंट जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है अब तुम्हें मैं एक टेक्निक बताना चाहता हूं जल्दी से बताना इसका आंसर पहले और इसके बाद दूसरा भी क्वेश्चन मेरे पास है सेम क्वेश्चन है सेम चीज है लेकिन इस बार करंट डिक्रीज हो रहा है ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए है ये रहा बी और ये रहा ए यहां पे करंट दो ही है ओके ये हो गया वन हेनरी ये हो गया फाइव वोल्ट और ये हो गया टू ओम तो ये क्वेश्चन का आंसर शायद अब तक बच्चों ने कर दिया है सेवन वोल्ट एट्टी एट अरे भाइया एट एट आ रहा है एट और टेन की बोली लग रही है भाई एट और टेन की बोली लग रही है एट 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 बोला रहे हो क्या चलो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम्हें जो बता रहा हूं वो करो करंट किधर है इधर, और ये क्या हो रहा है? करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये करेगा क्या? Decrease. Decrease करेगा क्या? डिक्रीज। डिक्रीज तो तुरंत से इसे बैटरी बना लो करंट है इधर ये करेगा डिक्रीज मतलब ये एल डी आईबीडी नाम का एक बैटरी है जिसका पॉलरिटी ऐसा है कहानी खत्म एल डीबीडी का वैल्यू निकाल के रख लो एल डी आई वाई डी टी का वैल्यू निकालो एल का वैल्यू वन और डी आई वाई डी टी भी वन माइनस प्लस नहीं मैग्नीट्यूड निकालो हमेशा कितना आया वन ये लो आंसर यानी कि ये वन वोल्ट का एक बैटरी है जिसका की पॉलिटी पहले पॉजिटिव होगा द रीजन इज इंक्रीज हो रहा है तो ये करंट इधर की तरफ फ्लो करवाएगा बस इतना सा समझना है अब देखो आंसर मेरा वाला फॉर्मूला माइनस ऑफ यहां पे एक वोल्ट लेकिन आगे वाला पॉलिरिटी क्या लिखोगे माइनस माइनस वन फिर ये वाला माइनस फाइव और ये वाला माइनस चार फाइव और फोर नाइन और वन टेन माइनस टेन यानी कि टेन वोल्ट आ गया क्या टेन वोल्ट तुम लोगों ने आंसर किया था टेन वोल्ट वाले सही है एट वाले सारे गलत है यार एट वाले गलत निकल गए सॉरी एट नहीं आया बच्चों, ये समझने में तुमने मिस कर दी <laughs> अरे ए से बी तक जा रहे हो और करंट इंक्रीज हो रहा है करंट इंक्रीज हो रहा है करंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या लिखोगे डी आई वाई डी टी एल डी आई वाइडी निकाल के बैठे हो वन अब यहां डायरेक्शन यहां से खेलो अदरवाइज हमेशा गलती करोगे करंट बढ़ रहा है तो ये बैटरी जो बनाएगा वो घटाने के लिए बनाएगा तो पॉजिटिव पहले बनाएगा आया मजा पॉजिटिव पहले बनाएगा तो ये वन वोल्ट का हो जाएगा ये टू और ये फाइव और ये तो यहां से चल के आओगे तो आगे वाला ही तो लेते हैं आगे वाला माइनस वन लिखोगे ना माइनस फाइव लिखोगे ना और ये भी आंसर कितना दस ठीक है चलो अगला देखना मेरा वाला मेथड बताया तो था करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना यार चला जल्दी से अगला क्वेश्चन करके बताओ अगला बताओ अगला इस बार डीआईटी ये है तो एल डी वाइडी टी का वैल्यू तो फिर से वही आ गया मैग्नीट्यूड वाइज कितना देखो कितना तगड़ा चीज है एल का वैल्यू वन इंटू डी आई डी लेकिन अब क्या होगा देखो देखो, देखो कितना मजेदार चीज बता रहा हूं करंट है तो इधर लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये करंट को बढ़ाने के लिए इंड्यूस करेगा बढ़ाने के लिए ऐसा करेगा पोलरिटी क्योंकि इस घटते हुए चीज को ये सपोर्ट करेगा यार बच्चों अरे तो भी माइनस वी भी तो तुरंत से निकल जाएगा यार माइनस ऑफ ये अगला वन वोल्ट का ही तो बताया एल डी आई से तो ये हो गया कितना माइनस ऑफ ये आगे वाला तो वन वोल्ट और ये माइनस फाइव और ये माइनस फोर इस बार तुम लोगों ने एट वोल्ट कर रहा है हो तो सही है yeah. तो आई होप आप लोगों को जिंदगी का सबसे बेहतर मजा मिला है और आप इस तरीके के क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं हरबड़ाएंगे तो एक क्वेश्चन तो फटाफट बता ही दीजिए तो यहां पे मैंने बोला द नेटवर्क सोन इन द डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट द करेंट इज टू एम्पियर एंड इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ टू एम्पियर पर सेकेंड वी पी माइनस वी क्यू ये रहा पी और ये रहा क्यू इस बार करंट का डायरेक्शन इधर है ध्यान रखना तो जैसा बताया वैसा करके सबसे फास्ट लाने वाले को एक चॉकलेट मजेदार वाला चॉकलेट जल्दी बता दो बेटा मजा आएगा जीवन का बेहतरीन मजा जल्दी से जल्दी 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 सबसे पहले ये देखो बोल क्या रहा है करंट घट रहा है करंट घट रहा है तो करंट इधर जा रहा है तो इधर ही बढ़ाएगा ये बढ़ाने के लिए बैटरी ऐसा बनाएगा यही खेल सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट खेल यही है जो तुमने आग लगा दी बच्चों को और यहाँ पे एल डी आई वाई डी टी का वैल्यू निकालो एल डी आई वाई डी टी का मजा आया जीवन में वैल्यू कितना वन डी आई वाई डी टी का कितना टू ये हो गया दो वोल्ट बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत ही ज्यादा मजा आया तो वी पी माइनस वी क्यू पूछा है मैंने तो चलना वैसे ही है जैसा मैंने बोला माइनस यहां से शुरुआत करना है बैटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस दो रेसिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन का पल्टी मार रहे हो तो प्लस लिखना पड़ेगा टू टू वन या टू ही लिखना पड़ेगा करंट का और ये वन का और इस बार बैटरी माइनस दो का है वह असर मजा आ गया है तो ये निपट गया खुपाँच खूपाँच माइनस दो और माइनस प्लस दो क्या बच्चों तुम लोगों का आंसर ए आया हुआ है अरे भाई तेज हो गया यार बच्चा सब तो मार दिया तीर बेटा तूने आंसर चलो बहुत बढ़िया सब बच्चों ने बोला प्लस टू वोल्ट ए आंसर एक सी भी बोल रहा है एक भी, भी बोल रहा है नहीं पाप नहीं पाप करने का तुम लोग सीख नहीं रहे हो अरे जो बोला वो करो करंट इलेक्ट्रिसिटी निपट गया होगा आधे लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी याद आ रहा होगा बोलो मैं सही बोल रहा हूँ क्या यार जिंदगी का बेहतरीन मजा जिसे लग रहा है ना वो फटाफट आग लगा दो एक बार यदि जिंदगी का बेहतरीन मजा मिल रहा है ना बच्चों तो जल्दी से एकदम तगड़ा वाला आग लगाओ तो है ना बैट क्या बोल रहे हो बैटरी नहीं समझ आ रहा है बैटरी समझ में कैसे नहीं आ रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है बड़े चलो बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो वाह बेटा चलो जल्दी से अभी मस्त मजा तो अब आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर बता दो थोड़ा ढंग से देख के करना इसका सॉल्यूशन आंसर बताओ फिर से वी ए माइनस वी बी यहाँ पे एक इंडक्टर है यहां पे धारा का प्रवाह है आई वन यहाँ पे धारा का प्रवाह है आई वन आई वन धारा जा रहा है और यहां पे ग्राउंडिंग है धरती माता यहां पे भी कुछ है यहां पे भी लेकिन ए से बी किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हो तो सीधा ही रास्ता पहुंच लो इधर पहुंच के क्या करोगे ऐसे फसाने का तरीका है ये है ना देखो तुम्हें फसा रहा है यहां से ये धारा का प्रवाह यहाँ I1 है ध्यान रखना और जैसे इस जंक्शन पे आया धारा का प्रवाह यहाँ I1 ना हो के क्या है I2 है यहाँ पे क्या है I2 है अच्छा चलो तो यहाँ पे एक इंडक्टर तो यहाँ है एक इंडक्टर यहाँ है अब इन दोनों इंडक्टर को ध्यान पूर्वक देख के बैटरी बनाना अपना पहला काम होता है दूसरा दोनों का बैटरी बनाना भी अपना पूरा काम होता है तो और उसके बाद तीसरा वी ए माइनस वीवी निकालना अपना काम होता है तो वी ए माइनस बीवी तो मेरा वाला फॉर्मूला तुम्हें पता ही है माइनस लगा के काम शुरू कर दो ओके काम शुरू करने से पहले एक और काम करो क्या सर यहां पे इसका बैटरी का पॉलरिटी चेक करो तो आई वन कितना है फाइव और डी आई वन डी टी जो तो है पॉजिटिव है पॉजिटिव है मतलब बढ़ रहा होगा बढ़ रहा होगा तो घटाने की कोशिश करेगा घटाने की कोशिश करेगा मतलब यहाँ पे ऐसे और ऐसे और ऐसे यानी कि धारा की दिशा इधर है तो धारा की दिशा के अपोजिट में पॉजिटिव पॉलिटी होगा मजा आया इसका वैल्यू देखो एल डी आई वेडी टी तो एल कितना दो और डी आई वाई डी टी कितने का है तीन तो ये हो गया सिक्स वोल्ट का बैटरी चलो बहुत मजा आया इसका देखो इसका भी एल डी आई वाई डी टी एल डी आई वेडी टी में मजा लो जीवन का एल कितना तीन और डी आई वाई डी टी कितने का है माइनस चार यानी कि चार का मतलब ये बारह का है लेकिन इसका बैटरी देखो ये करंट तो इधर है लेकिन ये घटाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बढ़ाएगा तो पॉलरिटी इसका ऐसा लोगे और ऐसा क्या ये दोनों चीज अगर तुम सेट कर लिए हो तो तुम्हारा कहानी अब यू निकल जाएगा तो शुरुआत करते हैं बेटा यहां से बी ए माइनस वी बी से ये दो का है धारा पांच का है भैया पांच एम्पियर का तो इसमें लिखोगे करंट के डायरेक्शन में माइनस दस चलो यहाँ पे बैटरी की प्लिटी आगे वाला है माइनस वाला तो लिखूंगा माइनस सिक्स बहुत सुंदर फिर आगे वाला बैटरी है दो वोल्ट का लिखूंगा माइनस दो बहुत सुंदर फिर बैटरी है तीन का लिखूंगा प्लस तीन बहुत सुंदर फिर अगला आगे वाला है प्लस का लिखूंगा ट्वेल्व देखो कितना मजा आ जाए ये है रियल मजा आया और फिर आगे है ये आई टू है टू का सर और ये थ्री तो ये आई टू का वैल्यू अब इसके लिए यूज होगा क्योंकि यहाँ आई टू है तो थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स सर बहुत ही बढ़िया सुंदर मजा आया है यह माइनस सिक्स माइनस सिक्स मिलके कितना दे दिया? 12. और ये 10 में से तीन गया बचा माइनस सात और यह प्लस सात अगर बच्चों तुम्हारा आंसर प्लस सेवन वोल्ट है तो तुमने फिजिक्स सीखा और अगर प्लस सेवन वोल्ट नहीं है तो तुमने फिजिक्स नहीं सीखा मैंने कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया है आहा, ओहो, ओहो, मैंने गलत कर दिया ये दस और दो बारह में से तीन गया ना नौ नाइन 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 मेरे दोस्त नाइन वोल्ट नाइन वोल्ट अगर आया तो सही है नाइन किसी का आया यस अनन्या सिंह इज राइट बबीता इज राइट एकदम बढ़िया और कौन है और कौन है सुमी दीवा अरे भाई साहब तुम लोगों ने अब देखो सारा इज राइट मोहित इज राइट तुम लोग एकदम बढ़िया कर रहे हो एक बच्चा ना देखो सेवन सेवन लिखना शुरू कर, मतलब लिख तो कर दिया चलो कम कम से तो कर ही देते हैं क्या पता सर को समझ में आ जाए ऐसे नहीं चलेगा बेटा सीखना पड़ेगा ठीक है चलो सीख चुके हो चलो तो अगला क्वेश्चन की तैयारी तो करते हैं ओके सर बहुत बढ़िया चल रहा है जीवन में अब ये रहा इंडक्टर क्या हो रहा है इंडक्टर इंडक्टर को सीरीज और कॉम्बिनेशन में लगा सकते हो ठीक है चला जल्दी से जो जोर जोर शोर से पढ़ेंगे इंडक्टर का सीरीज और पैरल कॉम्बिनेशन के बाद करेंगे एक और तगड़ा कहानी। इधर ध्यान दो पूरा पूरा का पुड़ा बेटा, बाद में देखना कुछ तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है एक इंडक्टर दो इंडक्टर हमें क्या चाहिए इसका इंडक्टर का इक्वेलेंट इंडक्टेंस क्या चाहिए बेटा इक्वेलेंट इंडक्टेंस तो इधर देख लो बेटा इक्विवेलेंट अबे नाम मत ले लो इधर देख लो अलग से नाराज हो जाएंगे फिर गलती हो जाएगा ठीक है इधर देखो इधर इधर ये इंडक्टर वो इंडक्टर तो यहां पे एक और इंडक्टर चलो तो अब क्या है इसका एल इक्विवेलेंट निकालना है तुम्हें पता ही है सब कुछ क्या सब कुछ हमें कुछ नहीं पता सर हम इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं ए और बी के क्रॉस और ये दोनों जैसा रोल पे करेगा वैसा ही अकेला रोल पे करेगा हाँ तो जल्दी से बेटा मजेदार तरीके से बोल दो कि इसके अंदर करंट है आई तो इसके अंदर भी करंट होगा आई ये है ए तो ये भी होगा बी है ना इसल डि है क्या तुम लिखोगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू तो माइनस एल डी आई डी टी तो वो तो तुम्हें पता ही है मैं एक और माइनस चिपकाऊंगा और करंट बढ़ता घटता कुछ बोला नहीं तो सीधा लिख देता हूं माइनस एल डी आई बाई डी टी अब डी आई वाई डी टी डिपेंड करेगा कैसा होगा जैसा इसमें होगा वैसा ही इसमें होगा यस सर एल लेकिन क्या है भैया तो मैं लिखूंगा एल इकोवेलेंट डी आई बाई डी टी बहुत ही तगड़ा बात है सर इक्वेशन वन लेकिन जब बात करूंगा इसका और इसका तो वी ए माइनस वीवी जब लिखूंगा बेटा तो तुम लिखूंगा यहां से इसमें एल वन डी आई वन बाई डी टी यस और इसका भी माइनस एल टू डी आई बाई डी टी यस ये इक्वेशन देखो डी आई वीए माइनस वीवी को ही बता रहा है और ये भी वी ए माइनस वी वी को ही बता रहा है तो यहाँ पे ध्यान दो तो ये एल इक्वल डी आई बाई डी टी और ये एल वन डी आई वन बाई डी टी एल टू डी आई बाई डी टी तो इन दोनों को निपटा दो तो तुम्हें समझ में आएगा ये भी वी ए माइनस वी वी है ये भी वी ए माइनस वी वी है तो मजा आया जीवन का जबरदस्त वाला और यहाँ पे फील आ गया है सर कि l इक्वलेंट माइनस का डी आई बाई डी टी जो होगा वो हो जाएगा एल माइनस का डी आई और यहां से हो जाएगा

इसी तरीके से अगर मैं तीन इंडक्टर को सीरीज में लगा दू मैंने यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस एक और चीज होता है जिसे नेग्लेक्ट किया है मैंने क्या किया वी नेग्लेक्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल म्यूचुअल को इग्नोर किया इंडक्टेंस अभी सिखाया नहीं है मैंने तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या किया इग्नोर समझ में आयो तो म्यूचुअल आता है तो कुछ और होता है हाँ क्या होता है बताऊंगा अब जरा सा ध्यान दे रहे यार जरा सा ध्यान देना यहाँ पे अगर ये l1 है ये l2 है ये l3 है तो एल इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा एल इक्विवेलेंट होगा l1 प्लस l2 प्लस l3 बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत ही ज्यादा मजा आया चलिए अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडक्टर का ये दो इंडक्टर है इसको मिला के मैंने एक बनाना चाहा तो हमें तो पता है ये a और b होगा इसमें जितना धारा जाएगा वो धारा यहाँ पे जाएगा और ये धारा दोनों में अलग अलग होगा यहाँ पे होगा I1 वन यहाँ पे होगा I2 लेकिन इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ये A है तो ये A और ये B है तो B क्या यही बताया मैंने तुम्हें क्या यही बताया मैंने तुम्हें हाँ सर अगर सपोज कर लो कि वी ए माइनस वी बी को दुनिया वी बोलती है लेट वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ऐसा मैंने माना तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ये है एल इक्विवेलेंट हाँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ सर आप लिखोगे सर आप लिखोगे एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं मैं डी आई बाई डी टी का वैल्यू लिखूंगा वी बाय एल इक्वेलेंट बहुत ही बढ़िया इक्वेशन वन अब यहाँ पे क्या लिखूंगा यहाँ पे आई गया एल हुआ

एल टू डी आई टू बाई डी टी यस सर तो डी आई टू बाई डी टी को दुनिया क्या बोलेगी जल्दी से बता दो बेटा v by L2. ये हो चुका है इक्वेशन थ्री और ये इक्वेशन थ्री और ये इक्वेशन टू अब बोलो बेटा कि इक्विवेलेंट का तो मतलब तब होगा ना जब ये दोनों मिलके जितना करंट खाया है उतना करंट ये अकेले खा ले हाँ यानी कि ये जो i एंटर किया वो इन दोनों i का सम होना चाहिए मजा आया जीवन का आई is I1 I2. i is equal to i one plus i two अरे भाइयों क्या लिखोगे i is equal to i one plus i two और इसको मैंने डिफरेंटिएट कर दिया डिफरेंटिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम सर बेहतर मजा आया मजा ही मजा आया ये हो जाएगा d i by d t is equal to d i one by d t प्लस डी आई टू बाई डी टी अरे भाई और फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री फ्रॉम इक्वेशन टू अरे भाई एंड एंड ये लो मजा जीवन का और सबसे बेहतर मजा यही मिलने वाला है क्योंकि आई का वैल्यू तुमने अभी निकाला है डी आई बाई डी टी का वैल्यू वी एल इक्विवेलेंट डी आई वन बाई डी टी को

तो यहाँ तो गेम बेटा कैसा हो रहा है, रेसिस्टर का। जो लो रिपीट, रिपीट लिखे है ना अभी तो तो जबरदस्त वाली आग लगनी चाहिए यार आज जबरदस्त वाली आग नहीं लग रही यार मजा नहीं आ रहा यार आज तुम लोग जबरदस्त वाली आग नहीं एम एम ए के बाद तगड़ा आग लगनी चाहिए तब समझ में आ जाता है कि रियल मजा आ रहा है बच्चों को अथवा आग ही रहा मजा ही नहीं आ रहा इसका मतलब तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ाई में मजा बिल्कुल नहीं हो रहा है अरे भाई इतना स्लो भाई साहब चैट ही नहीं आ रही है बच्चों का भाई फोन में मुझे दिख ही नहीं रहा है यार स्लो है यार चैट नहीं ना मजा नहीं आ रहा है यार सही बोल रहा हाँ अब आयो तगड़ा मजा ऐसे करोगे तभी तो एनर्जी अरे तो बीमार आदमी को एनर्जी देने का एक ही तरीका है ध्यान पूर्वक पढ़ो और तगड़ा समझ में आए तो बताओ तब होगा एकदम तगड़ा मजा यस yes, ये रहा भाई साहब मस्त मजा आया MMA के बाद जबरदस्त वाला आग धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चा लोग आप लोगों को अगर समझ में आया तो दिल को थोड़ी शांति मिलती है बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं यार अरे ये तो ये ये क्या है डेरिवेशन कुछ जान नहीं क्या इसमें बताओ तो यार ये कब सिखाया रेजिस्टेंस में अरे रेसिस्टेंस का सीरीज नहीं लिखते थे तुम क्या L इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू अरे ये रेसिस्टेंस ही तो है इंडक्टर का सारा क्वेश्चन रेसिस्टेंस का सारा क्वेश्चन की तरह बोलो क्या मैं सही बोल रहा हूं यस एकदम बढ़िया तो एम एम ए ऑन एक बच्चा जो लिखा है ना वही होनी चाहिए एम एम एक बात फायर एकदम आग जबरदस्त वाला यस अगला देखोगे अगला 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 इंडक्टर अगर पैरल में है तो एक इससे ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कभी क्वेश्चन आ सकता है देखना इससे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझे तो मैं एक पेज यह क्वेश्चन शुरू हो गया पहले मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा बाद में पहले क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह बताना है मुझे इंडक्टर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फोटो सोटो बना लिया लेकिन समझाने से पहले क्या करोगे सर पहले क्वेश्चन करवाऊंगा यह अभी होल्ड पे है अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ बेटा चलो शुरू हो जाओ बोल रहा है फाइंड इंडक्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट बिटवीन ए एंड बी तो यह सारा खेल उसी की तरह होगा जैसा रेजिस्टर का है बिटवीन ए एंड बी इच इंडक्टर हैज इंडक्टेंस मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला था कोई भी बच्चा जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कि ऐसे क्वेश्चन में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कभी भी इंडक्टर का यदि ऐसा क्वेश्चन मिलता है है ना है ना, तो तुम्हें क्या करना चाहिए पहले बताओ शारंग पानी जल्दी से बताओ कि क्या करने के लिए बोला था कैसे 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 कैसे, कैसे? एक दो तीन लगाओ सर ये कौन बोला यार सपना यस धन्यवाद बच्चे यही सुनना चाह रहा था अरे यार तुम लोग सच्ची में मेरे बच्चे हो बच्चों तुम लोगों का सिलेक्शन एकदम पकड़ा होने वाला है पगड़ा यस तगड़ा नमरिंग यस ये हुआ यार याद है इनको एक दो तीन चार धड़ाधड़ काम करो दो बराबर चार ये लिखो दो बराबर चार ये लो मजा जीवन का भैया और चार के बगल में लिख दो बी और मजा लो जीवन का एक से निकला दो पे एक इंडक्टर एक से दो पे एक इंडक्टर ये रहा सर दो से तीन ये रहा दो ये रहा तीन एक और इंडक्टर ओके तीन से चार ये रहा तीन ये रहा चार एक और इंडक्टर तीनों किसमें पैरल कितना अरे वन बाय इक्वल टू वन बाय वन प्लस वन बाय एल चो प्लस वन बाय एल थ्री लेकिन मैंने बताया अगर तीनों बराबर है तो सीधा गेम खेलो ना एल बाई थ्री अरे भाई ये हो गया वन बाय Is equal to इतना नहीं करूंगा L -naught, L -naught, 3 L तो यहां से दूंगा, L L जल्दी से बताओ चलो देखते हैं कौन पहले करता है माया तुम एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर आहो नंबर देना है दे दो ओके okay, चलो शुरू करो सर एक नंबर बराबर तीन नंबर चलो खत्म करो एक के बगल में ए लिख दो अब कौन सा दो नंबर बराबर दो बराबर पांच दो बराबर पांच नंबर चलो ओ, चार बराबर छ और छह बाद में है तो चार बराबर छ यहां लिखता हूं मैं चार बराबर छ और छह के बगल में बी चलो शुरू करो देखे कौन तुम लोग ने निकाल दिया क्या आंसर भाई एल आ गया यार बच्चों का एक और दो के बीच में एक चलो ये खत्म हो गया दो और तीन के बीच में ये रहा दो ये रहा तीन एक और इंडक्टर लगाओ ये भी ये भी हो गया ये भी हो गया दो और तीन तीन और चार ये रहा तीन और ये रहा चार मजा आया तीन और चार चार और पांच ये रहा चार ये रहा पांच मजा आया पांच और छह ये रहा पांच

सुधांशु भी सही बोल रहा है एल नॉट टू अरे एल नॉट नवनीत भी सही बोल रहा है मनीष राज भी सही अरे ये हो गया? राज? <laughs> ऐसे कैसे आ रहे हो? क्या अरे बच्चो मस्त मजा आया अल नॉट का तो जबरदस्त वाली आग लगनी चाहिए फटाफट फटाफट फट, इतना स्लो नहीं स्लो करो सर अरे यार इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बता रहा हूं मैं तुम लोग रेसिस्टेंस में भूल गए क्या अरे ये नंबरिंग करने के बाद फोटो ऐसा बनाना एक और दो के बीच में एक इंडक्टर ये रहा एक रहा दो दो और तीन ये रहा दो ये रहा तीन ये निपट गया दोनों तीन और चार ये रहा तीन और ये रहा चार ओके ये भी निपट गया चार और पांच ये रहा चार ये रहा पांच नंबरिंग का इतना बढ़िया मजा दिया है मैंने तुम्हें पांच और छह ये रहा पांच और ये रहा छह ये दोनों पैरल एल नॉट बा ये दोनों पैरेलल एल नॉट बाई टू फिर सीरीज एल नॉट बाई टू एल नॉट बाई टू एड हुआ एल नॉट और एल नॉट और ये एल नॉट फिर से पैरेलल तो आंसर कितना एल नॉट बाई टू मजा आया जीवन का बोलो यस yes, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने ओ यार ये क्या हो गया भैया नंबरिंग एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर छ नंबर बेटा अगला एक बराबर तीन चलो एक के बगल में ए लिख लो अगला एक बराबर तीन चलो एक के बगल में दो बराबर चार बराबर छ अच्छा करो दो बराबर चार बराबर छ और और दो बराबर चार बराबर और बराबर सात लिख लो पांच और सात को दूर रखो पांच बराबर सात और सात के बगल में बी लिख लो बी हमेशा दूर रखा करो चलो बेटा एक और दो के बीच में एक ये रहा एक और दो एक लगा दो चलो हो गया दो और तीन ये रहा दो ये रहा तीन एक और लगा दो चलो बेटा फिर तीन और चार तीन कहाँ पे ये रहा और चार कहां पे चलो बेटा चार और पांच चार और पांच एक लगा दो चलो बेटा पांच और छ पांच ये रहा छे रहा चलो बेटा छ और सात पे ये रहा और सात ये रहा अरे ये बड़ा ही मजेदार होता है यार ये देखो एल नॉट एल नॉट एल नॉट ये हो गया एल नॉट बाय थ्री और ये हो गया एल नॉट बाय थ्री दोनों को ऐड किया बेटे हो गया टू एल नॉट आंसर अगर तुमने लिखा होगा तो मुझे मजा आएगा नॉट बाय वाह मजा दे लो नहीं है बेटे। टू थ्री है आंसर। ऐसे मजा यार देखो कितना फटाफट कहानी चल रहा है ना क्या इंडक्टर को फोड़ के रख दोगे अरे बहुत ही तगड़ा फोड़ोगे एकदम जबरदस्त वाली आग और कुछ है क्या चलो ये रहा एक और क्वेश्चन ले लो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर सारे एल है एक नंबर ये रहा एक नंबर के बगल में ए है एक ये सारे अब जीरो इन, रेसिस्टेंस वायर नहीं है तो पोटेंशियल बराबर नहीं होगा तो एक के बगल में दो दो को नीचे लिख देता हूं और यहां पे दो और तीन को ऊपर लिख देता हूं चलो गेम खेलो एक और दो के बीच में एक इंडक्टर लगा दो टुकाक टुकाक टुका। दो और तीन के बीच में एक लगाओ ये रहा दो और ये रहा तीन टुकाक, टुकाक। ये रहा एक और तीन ये रहा एक और ये टुकाक, टुकाक। ये तीन खत्म ये खत्म ये खत्म फिर बचा दो और चार यानी कि एक और पॉइंट को सर्च करो इसका नाम रखो चार दे से निकालो टुकाक, टुकाक।, टुकाक तीन और चार हो गया सारे खत्म चार ही भी है

बीच वाले को कट्टी मार दो बीच वाले को कट्टी मार दो इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा दिस इज सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा बेटे वो बनेगा एल नॉट एल नॉट एल नॉट एल नॉट इंडक्टर है रेजिस्टर मत बना देना जोश में तुम लोग ये इंडक्टर है रेसिस्टर मत बना देना जो उसमें तो एल नॉट एल नॉट कितना टू एल नॉट एल नॉट एल नॉट कितना टू एल नॉट एल नॉट एल नॉट टू एल नॉट एल नॉट एल नॉट टू एल नॉट दोनों पैरल में एल नॉट ये हो गया आंसर क्या एल नॉट आंसर तुम लोगों ने पहले बोल दिया है सब बच्चे इस क्लास का एल नॉट आंसर कर दिए हैं ये होता है रियल मजा तो तगड़ी आग लगा दो बेटा एक बार और आगे का टॉपिक शुरुआत करते हैं एक मजेदार जोश है जुनून के साथ तो तगड़ा गेम खेल रहे हो बेटा तो एक बार जबरदस्त वाली बात हो जानी चाहिए मस्त मजा आया ऐसे नहीं मस्त मजा आने के बाद जबरदस्त वाली आग लगनी चाहिए तभी तभी मस्त मजा का मतलब होता है ऐसे मजा नहीं आता ठीक है ओके ये क्या बोल रहा जॉनी जॉनी यस पापा बोल रहे हो क्या जॉन बाय जॉन अच्छा ज्वाइन बाय जॉन ये क्या बोल रहे हो मुझे जॉनी जॉनी यस पापा बोल रहे हो अरे अरे बचपन का गेम आ गया क्या चलो अगला करो हा ये होता है हा अब अगला देखो अब क्या है पढ़ाने को एल आर सर्किट ग्रोथ ऑफ करेंट एंड डीके ऑफ करेंट तो एल आर सर्किट अब पढ़ने के लिए तैयार रहो क्वेश्चन आया हुआ था नीट में तो रेडी हो जाओ बेटा अरे तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते जोश में आ गया हूं मैं शुरुआत तो किया था पूरा पेन कर रहा था ये वो लेकिन पढ़ाने में मजा आने लगा शुरुआत थ्योरी से किया था मजा नहीं आ रहा था न्यूमेरिकल आते ही मजा आ जाता है समझ रहे हो चलो जबरदस्त वाली आग लगाना अभी समझ में आ जाए तो चलो एलआर सर्किट ग्रोथ ऑफ करंट तो सबसे पहले अपन बोलते हैं ग्रोथ ग्रोथ का मतलबता है करंट का बढ़ना ग्रोथ का मतलब करंट का बढ़ना और डीके का मतलब करंट का घटना मतलब तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रोथ चलो इसको चार्जिंग ऑफ इंडक्टर नहीं ग्रोथ ऑफ करंट बोल दो ग्रोथ बोल दो ग्रोथ सपोज करो मेरे पास एक सर्किट है एक एल एक आर और यहां पे एक बैटरी ले लिया ही और ये रहा स्विच। खुपाच। इसे मैं क्लोज किया इस स्विच को मैंने क्लोज किया शुरुआत में ना इंडक्टर में कोई चार्ज है पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट एकदम फील करवा दूंगा तब क्वेश्चन अपने आप दमादम होगा तुमसे ठीक है क्वेश्चन बहुत सारा है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आया हुआ है आप लोग पूरा ध्यान दीजिए एक एक चीज फील कराऊंगा सारे डेरिवेशन कराऊंगा सब कराऊंगा लेकिन आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां होना चाहिए ये yes, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, है बोर्ड में नहीं आता है बोर्ड में नहीं आता है इससे क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए आईटी के लिए तगड़ा इंपॉर्टेंट है नीट में आया हुआ क्वेश्चन है तो जान से देखिएगा बहुत ही आसान बताऊंगा क्योंकि वो ट्रांजेंट एनालिसिस नहीं पूछता वो या तो जीरो का पूछता है या तो अंतिम का पूछता है बीच वाला चीज पूछने से दिक्कतें आती है है ना यार तो इधर यार इधर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहा गया ओहो भाई साहब मैं सोच रहा हूँ बच्चे लोग इतने देर से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों बोले जा रहे हैं ओ <laughs> oh, oh, पहले वाला ये लड़का समझ गया मेरा बात ऋषि ने एकदम सही समझा रहे मास्टर पकड़ा गया भाई साहब सर <laughs> पहले वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहा गया हाँ ये रहा <laughs> भाई साहब मैं समझ रहा था क्या जानते हो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं बच्चे ये पूछ रहे हैं मुझसे तो मैं बोलने लगा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है नीट के लिए है ये है वो है सही में तगड़ा मजा आया भाई अभी ये वाला चीज कहा गया अब आया मजा आया जल्दी आ आज मैं तो एकदम सोच रहा था ये कहा हो गया भैया एकदम से बच्चा सब ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखने लगा मजा आ गया यार बच्चों चलो इधर आ जाओ इधर आ जाओ ये रहा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ठीक है ओके अब यहां पे क्या है धारा है मान लो आई वन यहां पर धारा है आई टू अब देखना बेटा मजा आएगा ये है पोटेंशियल सपोज कर लो एक्स और ये है पोटेंशियल सपोज कर लो वाई बोलो एकदम मजा दिया जीवन का चलो इधर आ जाओ ये है एक्स और ये है वाई तो अब क्या होगा भैया तो अब होगा ये सर कि इसके अक्रॉस इसके है ना और इसके अक्रॉस दोनों के अक्रॉस अब ध्यान से सुनना क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है हाँ सर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ये भी एक्स और वाही ये भी एक्स और वाही है तो मैं बोलूंगा इसके अक्रॉस वी एल वाई और इसके अक्रॉस वी एल वाई दोनों बराबर होंगे है ना है ना अब यहां पे देखना वी एक्स वाई

एक बढ़िया सा चीज बताऊंगा ना तुम्हें मजा आ जाएगा अभी सुनना बात को ये डी से डी निपट गया इंटीग्रेट कर दिया क्या बचा डी आई वन का इंटीग्रेशन आई वन एल टू का इंटीग्रेशन आई टू तो यहां से आया एलवन आई वन इसको अच्छे से सजा के लिखो यहां से आया L1 आई वन इज इक्वल टू एल टू आई टू ये देखो क्या आ गया भैया यही तो तुम रेसिस्टेंस में भी किए थे लिखे थे आई वन आर वन और ये लिखे थे आई टू आर टू हां सर तो ये आ गया क्या एल वन आई वन इज इक्वल टू एल टू आई टू इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट बोल देगा इसके क्रॉस का करंट है इसका है चार मिली हेनरी है दो मिली बताओ इसका करंट अब है तो लो बेटा जो करंट यहां से जाएगा आई क्या वही इन दोनों में जाएगा हा एक दूसरा इक्वेशन भी तुम बना सकते हो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू तो फिर से तुम करेंट डिवीजन मेथड इंडक्टर में यूज कर सकते हो हा 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 यानी कि इंडक्टर में तो पूरा का पूरा करेंट डिवीजन चलेगा यस yes! तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट फिर से समझ में आएगा तुम्हें कि ये एक्चुअल में क्या है ये फ्लक्स फ्लक्स थ्रू फर्स्ट वन आई वन और यह है फ्लक्स थ्रू सेकेंड तो फ्लक्स दोनों में ना बराबर होता है किसी भी इंस्टेंट पे इंडक्टर का ये बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी रेंडम सा चेंज अगर तुम करोगे ना इसके करंट में तुरंत से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बोले कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट या जस्ट आफ्टर ओपनिंग द सर्किट और पहले से कुछ हो तो वही रहेगा तुरंत नहीं होता कोई भी चेंज इंस्टेंटेनियपे नहीं होता समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस चेंज इसमें नहीं होगा और इन दोनों का करंट जो होगा वो आई वॉन्ट बाई टू तब होगा बेटा जब तुम्हारा एलवन और एल टू बराबर होगा जैसे वहां पे किया था अब यहां पे ये L1, I1, L2, L2 वो में किया था वी बराबर और यहां से फ्लक्स में एक में चेंज यानी कि दूसरे में चेंज वो दोनों ये देखो ये थ्योरम है योडोम में कि फ्लक्स जो होता है इंडक्टर के थ्रू कांस्टेंट होता है और वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं करता अब इस कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से समझते हैं यहां से आई इज इक्वल टू आई वन प्लस दिखाना चाहते हो तो आई वन को क्या लिखोगे यहां से आई वन को लिखोगे एल टू आई टू बाई एलवन लिखोगे ना हाँ सर ये लिखोगे एल टू आई टू बायन प्लस आई टू ये भी आई टू ये भी आई टू कॉमन ले लो आई टू तो कितना हो गया एल टू ये वहां पे चला गया एल वन बाय याद कर वो दिन जब तुम्हें सिखाया था कि करंट जिसमें होता है वो दूसरे पे डिपेंड करता है मतलब ये हो जाएगा L1 बायवन प्लस एल टू इन टू आई सर ये इंडक्टर तो नाम का है खेल तो सारा रेसिस्टर वाला खेल रहा है हाँ लेकिन नाम का नहीं है इंडक्टर इसके अपने तगड़े चीज है इसका अपना एक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी मैं सिखाऊंगा सर्किट एनालिसिस में इसका अपना चीज जो है वो अभी सिखाऊंगा तो आई टू क्या हो जाएगा एलवन बाई वन प्लस इंटू एल टू आई और आई वन अगर बोलोगे तो तो ये दूसरे पे डिपेंड करेगा मतलब एल टू बाई वन प्लस एल टू इंटू आई यस yes, यही चीज क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया हो तो जबरदस्त आग लगनी चाहिए बच्चों और पता चल जाना चाहिए मुझे बच्चों को पता था कि अगर दो रेसिस्टेंस था ये आर वन और ये आर टू और यहां से धारा प्रवाहित हुआ था यहां से आर वन या टू तो इसका धारा इसका धारा दोनों का धारा तुम बता देते थे बोलो हाँ या ना रेसिस्टेंस का खेल है यस बच्चा लोग तो ये जो गेम था वही गेम इंडक्टर का है पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चन आए तुम्हें आंख बंद करके सोच लेना है कि बता दूंगा वो तो अभी सॉल्व करना बताता था लेकिन ये देखो कितना मजेदार चीज तुम्हें फील आ गया कि इंडक्टर पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हें लगेगा और तुम्हें लगेगा कि नहीं आ रहा है तो तुम इंडक्टर को मान लेना रेजिस्टर और सॉल्व करके आ जाना देखना आंसर आ जाएगा समझ में आया मतलब वैसे ही क्वेश्चन पोटेंशियल निकालो करंट निकालो ये निकालो वो निकालो करंट डिवीजन करो तो ये सब चीज़ तुम्हें समझ में आना चाहिए और बहुत ही और बहुत ही तगड़ा मजा आना चाहिए यस तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया सुंदर और दमकदार तरीके से यस थोड़ा ठीक हूं थोड़ा खराब हूं अभी चिल्ला चिल्ला के थोड़ा ठीक हूँ लेकिन क्लास ऑफ होने के बाद क्या होगा वो मैं ही जानता हूं पूरा ये बैक पेन दर्द कर रहा है पूरा का पूरा ये वाला पोर्सन दर्द कर रहा है पूरा पैर दर्द कर रहा है और ये वाला पोर्सन बहुत दर्द कर रहा है समझ में आया तो मस्त मजा आया तो जीवन का शुरुआत हो जाए यस अब ये सारे चीज को एप्लीकेशन कहीं भी होगा ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल तो नहीं लिया हूं अभी तो तुम लोग ध्यान देना समझ गए यस अब आओ क्या बता रहा था मैं तुम्हें अब बता रहा था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ करेंट देखना तगड़ा मजा आएगा तगड़ा ग्रोथ ऑफ इंडक्टर ठीक रेडी हो बहुत ही बढ़िया फील दिलाऊंगा पंद्रह मिनट का क्लास लूंगा लेकिन इतना चमकदार चीज बताऊंगा कि तुम बोलोगे आह मजा आया सर तो दमकदार चीज अभी बताना है मुझे अभी छुट्टी के नाम मत लेना एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन और ये छुट्टी तो ये चार क्वेश्चन और ये छुट्टी ये कराने के लिए मुझे पंद्रह मिनट चाहिए और जबरदस्त वाला फील देने के लिए बस तुम लोग ग्रोथ पढ़ाऊंगा आज डीके नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन ग्रोथ पढ़ा देता हूँ ठीक है चार पांच क्वेश्चन करा देता हूँ तगड़ा मजा आएगा ठीक है बेटा चलो करते हैं अब ओके बच्चा लोग धन्यवाद लव यू थैंक यू सबको आप लोग बहुत ही ज्यादा समझ लेते हो और बहुत ही ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान भी देते हो आज यार पता है मैं रिकॉर्डेड लेक्चर लेने के मूड में था लेकिन फिर मैंने सोचा यार बच्चों को थोड़ा क्लास लेके लेकेमकदार तरीके से मोज करा देता हूँ चलो आ जाओ आग लगाना तुम चार क्वेश्चन करने के बाद अब पूरा ध्यान देना ग्रोथ ऑफ करेंट का मतलब होता है कि पहले ये बैटरी है और टी इज इक्वल टू जीरो पे इसको क्लोज किया सारा ध्यान इधर देना आप ठीक है t इज टू जीरो पे इसको क्लोज करना तो क्लोज करने के बाद क्या होगा यहां से बैटरी से ये करंट निकला करंट निकला तो किसी भी टी टाइम पे जब शुरुआत किया तब क्या हुआ मुझे नहीं पता है टी इज इक्वल टू जीरो पे तो तुम्हें पता ही है करंट जो है कितना टी इज इक्वल टू जीरो पे की जस्ट क्लोज तो करंट भी नहीं होगा जब शुरुआत ही हुआ तो करंट जाने में समय लगता है इंडक्टर में हाँ सर अब पूरा का पूरा एकदम ध्यानपूर्वक सुनना तो सर ये बैटरी है आपका इससे करंट गया किसी भी टी टाइम पे यानी कि टी इज इक्वल टू टी टाइम पे करंट जो है सर्किट में वो आई है इसको बोलते हैं थैंक यू बच्चा लोग चलिए ध्यान दीजिए ट्रांजिएंट एनालिसिस ट्रांजिएंट एनालिसिस सर्किट का बता रहा हूं ठीक है ओके अब जरा सा ध्यान देना यहाँ पे <coughs> यहाँ पे T इक्वल टू टी पे करंट इंटर किया इंडक्टर में कुछ करंट आया इंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा ठीक करंट क्योंकि इसमें आना शुरू हो गया बढ़ रहा है तो बैटरी का रूप रेखा कुछ ऐसा होगा हाँ क्योंकि ये घटाने की कोशिश करेगा और इसमें करंट का रूप रेखा कुछ ऐसा होगा इसका बैटरी एल डी होगा इतना आसान बना दिया मैंने ना ये लिख के कि डायरेक्शन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे क्वेश्चन में तो डायरेक्शन को यहां पे हमने चेंज कर दिया है है ना? है ना ना अब ये वाला क्या करोगे तुम यहां से करंट ऐसे जा रहा है जा रहा जा रहा है आगे वाला लोगे आगे वाला के लिए क्या लिखोगे माइनस एल डी आई बाईड यहां से केवीएल इक्वेशन लिखो केवीएल क्या होता है पूरा लूप में वोल्टेज लिखना है

माइनस मैं ऐसे लिखता हूं ई तो इस ई को हटा ही देता हूं यहां से लिखे हो गया प्लस ई फिर यहां से हो गया ये हो गया क्या माइनस एल डी आईटी क्योंकि आगे वाला है और यहां पर क्या होगा माइनस आई आर और ये किसके बराबर? जीरो के बराबर क्या ये? हर एक बच्चा को एक मजा दिया है तो आग लगानी okay, yes. से याद दिला दिया अब तुम्हें पता है कि आई को आई के पास करेंगे तभी इंटीग्रेटेबल होता है तो ये इसको उधर ले जाता हूं तो ये उधर ले गया तो हो गया एल डी आई बाई डी टी ओके बचाई माइनस आई आर ओके अब मैं क्या करता हूं आई को आई के पास ले जाता हूं तो ये डीटी को इधर भेज देता हूं और डी के नीचे ये रखता हूं। तो क्या हो जाएगा देखो जल्दी से हो जाएगा डी के नीचे डी के नीचे आई आर ई माइनस आई आर और डी आ गया इधर और एल आ गया नीचे तो हो गया वन बाय एल इन टू अब हमें क्या चाहिए ट्रांसियंट एनालिसिस Transient analysis का मतलब क्या होता है Thank you, बच्चा लोग लोग आग जबरदस्त लगाए हो तुम और तुम्हें समझ में आ रहा है? है है है। का मतलब है कि current जो है, वो as a function of time निकालना है। अच्छा करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है जब ये बढ़ रहा है ग्रोथ ऑफ करंट की बात कर रहा हूं हाँ awesome. अब जब आगे का बात करते हो तो ये हमें करंट निकालना है किसी टाइम के फंक्शन में तो अब क्या करोगे तुम इंटीग्रेट करोगे तभी तो करंट निकलेगा यस yes, तो ये हो गया जब समय शून्य था तो धारा भी शून्य था धारा मतलब करंट जब करंट किसी टी टाइम पे हो गया तो करंट आई हो गया हाँ सर जरा सा देखो इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें बताया है बहुत बार या अगर यहाँ आई है और यहाँ आई है पावर वन है तो इंटीग्रेशन एल होता है वन बाय का एल और वन बाय का जो कॉफिशियंट होता है वेरिएबल का उससे डिवाइड करते हो तो एल एन ई माइनस आई आर लिखते हो और यहां पर डिवाइड करते हो किससे माइनस आर से क्यों क्योंकि जो आई का वेरिएबल है उससे डिवाइड करना पड़ेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है सर चलिए आगे यहां पर यह हो जाएगा डी टी का इंटीग्रेशन टी और यह हो जाएगा एल और यहां पर लिमिट कितना हो जाएगा जीरो से लेके आई चलिए माइनस आर को उधर भेज दीजिए अब तुम्हें मजा एक और जबरदस्त आने वाला है जब तुम माइनस आर को उधर लिखोगे तो लिखोगे माइनस ऑफ आर टी एल। और यहां से एक बता देता हूं मैं क्या बताता हूं जरा ध्यान से सुनना चलो अगले पेज में बताऊंगा पहले इसे देख लो अब ये माइनस आर तो उधर चला गया सर इसमें लिमिट रखो तो आई के जगह आई तो हो गया एल एन ई माइनस आई आर माइनस एल एन आई के बदले जीरोन ई और एल एन एक्स माइनस एल एन वाई होता है एल एन एक्स बाय वाई यस तो ये आ गया है बेटा एलेन ई माइनस आई आर बाय ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी बाय अब यहां से एक चीज होता है जरा सा उसे समझो चलो एक और स्टेप के बाद एल एन को उड़ाने से ई e का पावर आता है बहुत बार ये सब चीज यूज किया हूं। अगर समझ में आ रहा है तो जबरदस्त वाली आग लगाना जबरदस्त वाली ताकि समझ में आ जाए बच्चों को सही में समझ में आ रहा है यहां पे एल एन अगर उड़ाओगे तो ये ई के पावर में चढ़ जाता है सर ई का पावर माइनस आर टी एल और ये वाला चीज फ्री हो जाता है फ्री हो गया मतलब ई के नीचे ई वन हो गया और ये आई आर के नीचे हो गया सर आर बाय ई इंटू आई क्या ये बात एकदम तगड़ा समझ में आ गया है यस अब देखो इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा वन माइनस ई का पावर माइनस आर टी इक्वल टू ये उधर गया तो हो गया क्या आर बाय ई इंटू आई हमें यही आई चाहिए जब तुम ये आई निकालोगे तो ये हो जाएगा ई ऊपर आर नीचे हो गया ई बाय आर इंटू वन माइनस ई का पावर माइनस आर टी बाखाउंगा एक तगड़ा चीज और आंसर न्यूमेरिकल का खटाखट करोगे धन्यवाद बच्चों बहुत ही झमा झम मजा आ रहा है सर अब जरा सा देखना डायमेंशन का चैप्टर तुम्हें मैं तो नहीं पढ़ाया लेकिन तुम अगर थोड़ा सा भी पढ़े तो तुम्हें यह बात बता दू कि e का पावर x का कोई भी डायमेंशन नहीं होता एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर डायमेंशन लेस तो ये टर्म्स डायमेंशन होगा और कोई भी डायमेंशन लेस होता है तो उसे किसी नंबर से इक्वेट कर सकते हो तो ये डायमेंशन लेस होगा इसके पीछे का रीजन क्या है वो कुछ नहीं होगा क्या होगा वन क्यों क्योंकि एक्सपोनशियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है डायमेंशन लेस होता है तो यहां से तुम देखोगे टी जो होगा वो एल बाय आर के बराबर हो जाएगा और एल बाय आर का डायमेंशन जो है वो टाइम के डायमेंशन के बराबर है जिसे हम बोलते हैं एक अलग नाम और उसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट इसको टाओ से डिनोट करते हैं किससे टाओ तो टाओ का वैल्यू क्या होता है एल आर, तो ये होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट तो इसका डायमेंशन बाय आर का किसके बराबर होगा टाओ के जिसे वहां पे टाइम कॉन्स्टेंट सिखाया था कैपेसिटर में अगर तुम्हें याद हो तो बताना कि सर आपने आरसी बताया था और यहां पे क्या बताया बेटा टाइम एल एल बाय बाय आर, आर यानी कि इस को दुनिया एक और नाम से जानती है, जिसे बोलते है, तो हैं e है? है सर्किट में कैसे अभी तुरंत बताऊंगा क्यों क्यों मैक्सिमम अभी तुरंत बताऊंगा पहले देखो आई इज इक्वल टू जरा ध्यान देना एकदम तगड़ा चीज चल रहा है बेटा आई इज इक्वल टू यहां पे देखो बाई आर इंटू वन माइनस इ का पावर माइनस टी circuit. अब यदि अगर इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइम जब भी कभी स्टडी स्टेट बोलू तो इसका मतलब होता है लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम या फिर टी इज इक्वल टू इंफिटी या फिर करंट इन द सर्किट इज कांस्टेंट इन तीन का मतलब होता है स्टेडी स्टेट स्टेडी स्टेट का मतलब होता है लॉन्ग टाइम या इनफिनिट टाइम यानी कि जब समय बहुत ज्यादा हो गया तब तो तुम बताओ सर्किट में करंट कितना था उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस तो T इज इक्वल टू इंफिनिटी पे धारा जो होगा वो कितना होगा वो जाएगा ई बाय आर 1 ई का पावर टी टी का वैल्यू इंफिनिटी बाय ट अब मजा आएगा जरा सॉल्व करना इसको इस फंक्शन को सॉल्व करना सिखाता हूं देखो इधर तगड़ा मजा आने वाला है e का पावर माइनस बाय बाईट माइनस उड़ा हो गया तो होगा पावर बाय बाई टिटिव को टॉ से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा e का पावर, e, का पावर e के पावर में इन्फिटिव रखोगे बहुत बड़ा क्वांटिटी तो होगा बहुत बड़ा क्वांटिटी तो ये हो जाएगा वन e पावर इन्फिनिटिव इज अ ह्यूज क्वांटिटी और ये नॉट डिफाइंड होता है मैथ्स में जिसको कि जीरो के बराबर हम लिखते हैं तो ये जब टी का वैल्यू इंफिनेटिव है तो ये चीज किसके बराबर हो चुका है जीरो के तो फाइनली तुम लिखोगे ये आई जो है वो हो गया ई वन माइनस जीरो तो कहने का मतलब जो ये था उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है पहले सब्ट्रैक्ट होने वाला चीज कुछ तो था लेकिन अब कुछ होने वाला जीरो हो गया यानी कि ये करंट सबसे ज्यादा करंट है इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट इन द सर्किट और ये कब आया जब तुम्हारा पास समय बहुत ज्यादा हो गया कितना एक दिन दो दिन पांच दिन सात दिन दस दिन नहीं ये टाइम कांस्टेंट बहुत ही कम होता है दो चार दस मिली सेकेंड इसी को हम इंफिनेटिव बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि दो चार दस साल के बाद आएगा इन्फेनाइट टाइम इंफानाइट टाइम दो चार दस मिली सेकेंड है मतलब एक सेकेंड का इतना छुटकी सा पार्ट है अरे भाई साहब यहां कुछ भी हो जाता है इनफाइट बोल रहा है और ये तो एकदम निपटू वाला चीज है हाँ भैयो ऐसा ही है तो ये आई मैक्स ई बाय आर है इसीलिए समटाइम्स इस फॉर्मूले को ऐसा भी समझा जाता है कैसा सर इसको I मैक्स भी लिखा जाता है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं यहां पे क्या I इज इक्वल टू आई नॉट इन वन का पावर माइनस टी और यहां से एक तगड़ा चीज लिख सकता हूं जहां पे i नॉट जो है वो है e by r के बराबर ओ और t तो जो है वो है l by r के बराबर तो एक और छुटकी सा फॉर्म आपने बता दिया हाँ i नॉट 1 e t बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत ही मजा आ गए ओए तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि स्टेडी स्टेट एनालिसिस जब हम करते हैं तो करंट e by r होता है अब समझो ऐसा क्यों हो रहा है और शुरुआत में करंट कितना था? करंट कितना है जरा निकाल के भी देख लो इक्वल टू जीरो मतलब ई e e का पावर जीरो अरे जीरो से किसी को डिवाइड करोगे तो जीरो जीरो हो, e तो हो गया ई e बायर इंटू वन माइनस वन मजा आया वन माइनस वन जीरो जीरो इंटू कि शुरुआत में करंट कितना था जब तुमने क्लोज किया स्विच को जस्ट क्लोज इसको यूज़ करता है क्या? जस्ट क्लोज तब करंट कितना था जीरो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि सर्किट जो है उसमें इंडक्टर खतरनाक रोल किया हुआ था मैंने सर्किट को तो क्लोज कर दिया मतलब करंट ही नहीं है सर्किट में इसका क्या मतलब इंडक्टर बिहेव ओपन सर्किट तो टी इज इक्वल टू जीरो में इंडक्टर कैसा बिहेव किया है ओपन सर्किट की तरह यानी कि एट t इज इक्वल टू जीरो जस्ट क्लोज कुछ भी लिखो अगर सर्किट ऐसा है इंडक्टर रेसिस्टर और बैटरी तो ये कैसा बन जाएगा T में ये ऐसा बन जाएगा ये खाली हो जाएगा और यहां पे रेसिस्टर होगा और ये बैटरी होगा अरे भाई ऐसा गेम हाँ यानी कि T इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर जो होगा वो हाई रेजिस्टेंस पैदा करता है इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है ऐसे खाली कर दो ये मतलब होता है हा भाई हाँ और जब मैंने इनफनाइट टाइम दे दिया तब तब तो और मजा आया इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं है ये करंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एल है अरे भाई साहब यानी कि ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एल है मतलब एल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर्किट का बिहेवियर प्योरली रेजिस्टिव है तगड़ा गेम हो गया है बेटा तो IT इंफिनिटी या लॉन्ग टाइम या फिर लॉन्ग टाइम या फिर स्टेडी स्टेट या फिर स्टेडी स्टेट इसमें इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है इंडक्टर बिहेव कर रहा है सर जीरो वायर वायर की की तरह तरह है है ना कैसा बिहेव कर रहा इंडक्टर जीरो यानी कि ये ऐसा हो गया ये रेसिस्टर हो गया क्योंकि धारा तो कितना है ई e बायर तभी तो E है और R है और ये तुम लिखते हो I I E बाय आर कब लिखोगे जब इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं होगा यानी कि इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है जीरो वायर की तरह सर बढ़िया मजा आया तो तगड़ा क्वेश्चन तीन मिनट और लूंगा बेटा सारे क्वेश्चन तुम यूं करोगे कि तुम समझ नहीं सकते सर ये रहा बढ़िया बढ़िया चीज तो ग्राफ यहां पे सर समझ में आ गया हमें ये एल आर सर्किट का ग्राफ है किसका चार्जिंग का नहीं ग्रोथ का ग्रोथ ऑफ करंट का तो हमने समझ लिया है सर कि करंट टाइम का ग्राफ ऐसा था शुरुआत में करंट तो जीरो था लेकिन धीरे धीरे करंट जो हो गया वो हो गया है कितना e by R जो कि मैक्सिमम के बराबर हो गया और यही मैक्सिमम करंट है और किसी एक टाइम कांस्टेंट में देखो तो टीजिकल टू रख के बताना तो ये कितना हो गया तो तुम्हें पता चलेगा ये सिक्सटी चार्ज हो गया था ना? ये भी बात हमें समझ में आ गया बस बेटा तीन क्वेश्चन कराऊंगा फिर छुट्टी ही छुट्टी है तो यह रहा सर आगे की कहानी करेंट्स के ऊपर क्वेश्चन यह क्वेश्चन नीट में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 का नीट का क्वेश्चन 2017 का नीट का नीट क्वेश्चन कुछ बुक्स में यहां पे ना एक कैपेसिटर भी लगा रहता है तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि हाई क्या रियल लेकिन यह क्वेश्चन का मैं फिलहाल सॉल्यूशन दे रहा हूं तुम्हें याद रखना तुम यह मत बोलना यह क्वेश्चन था या नहीं था यहां पे कैपेसिटर भी है कुछ में तो मैंने कैपेसिटर लगा के भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिखा फटाफट यहां से एकदम बढ़िया तरीके से करना बेटा मजा आ जाए सर आज तो आ? क्या बोल रहे हो बस दो तीन मिनट में चार क्वेश्चन करोगे कितना मजा आएगा सोचो अरे सात बज के एक मिनट हुआ है पता है ये क्वेश्चन कर लो इतने में करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज जब स्विच क्लोज करोगे तो इंडक्टर ओपन सर्किट होगा इंडक्टर ओपन होगा मतलब काट दो मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा इंडक्टर ओपन हुआ मतलब काट दो तो इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा सर्किट सिर्फ ऐसा बचेगा और करंट सिर्फ इस रेसिस्टेंस के थ्रू जाएगा करंट का वैल्यू हो जाएगा ई बाय आर और आंसर हो जाएगा अठारह और आर का वैल्यू कितना है भैया तो आंसर हो जाएगा दो एम्पियर ये लो मजा जीवन का इतना आसान होता है क्या क्वेश्चन और ये रेसिस्टेंस का वैल्यू नाइन ओम है तो दो मिली एम्पियर नहीं दो एम्पियर वाला आंसर होगा ये भी बड़ा ही लफड़ा था दो एम्पियर वाला आंसर होगा क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो पे जब तुमने क्लोज किया सर्किट को उस टाइम पे आंसर सी यस थैंक यू चलो मजेदार दमकदार चमकदार अगला क्वेश्चन ये रहा सर फिगर द करेंट थ्रू द रेजिस्टर आर वन आर टू आर थ्री मतलब जस्ट क्लोज करने के बाद करेंट फटाफट बोलना करेंट क्लोज हुआ इंडक्टर है करंट नहीं होगा मतलब आई टू का वैल्यू कितना आया जीरो I3 में इंडक्टर है करंट नहीं जाएगा कितना हुआ जीरो क्योंकि T इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर बिहेव करता है ओपन सर्किट मजेदार बात है सर और यहां पे धारा जाएगा खुपाच 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 मतलब ये वाला करंट जो होगा I1 वन वो जाएगा E बाय आर देखो किधर आया मजेदार बात बच्चों क्या मजा आ गया है जीवन का ये हो गया आई का वैल्यू ई बाय आर वन अरे भाई अगला क्वेश्चन

इक्वल टू इन्फिनेटिव पे गेम अलग होगा इस बार अरे भाई दो दो गेम है, हाँ। है फ्रॉम बैटरी बाय द सर्किट टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा e बाई टू ओके चलो और जब इन्फिनिटिव हुआ तो इन्फिनेटिव बात हो ये जाने नहीं तो देगा ये इन्फिनेटिव ये जाने देगा तो ये आर और ये भी आर तो ये क्या हो जाएगा फिर से हो जाएगा ई बाई टू आर अरे भाई मजा आ गया सर ई e इन्फिनिटी पे भी यही है आई जीरो पे भी यही है मतलब रेशियो लेना है दोनों का हा तो आंसर क्या हो गया भैया जल्दी बता दे बेटा वन इज टू वन वाह बेटा बोला था ना लास्ट क्वेश्चन ये रहा जल्दी बता दो बोल रहा है इन द गिवन सर्किट बल्ब विल बिकम सडनली ब्राइट सडनली ब्राइट क्यों होगा यार जब तुम क्लोज करोगे जब तुम क्लोज करते हो तब तो धारा धीरे धीरे बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है देखो जब तुम क्लोज करते हो तो करंट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है अब तो नॉर्मली नहीं कर रहा अच्छा तो जब तुम ओपन किए क्लोज किए तब तो नहीं होगा सर स्विच इज क्लोज और ओपन अच्छा क्लोज में तो नहीं है तो गलत हो गया क्लोज में तो नहीं गलत हो गया अब बचा ओपन अब क्या होगा शुरुआत में इंडक्टर है तो इंडक्टर तो ऐसे ऐसे होगा लेकिन जैसे इसको तुम ओपन करोगे निपटाओगे खूब अच्छा क्या होगा ये करंट को एकदम से बढ़ाएगा क्योंकि जैसे ही तुम इसे हटाओगे ये तुरंत से छोड़ना चाहेगा जैसे इसमें करंट कम होगा ये एल डी आई बी डी टी इसके अंदर पैदा होगा और वो इतना ज्यादा पैदा होगा कि ये सारा का सारा करंट इसके क्रॉस भागेगा तो जब इसको तुम ओपन करोगे तब तुरंत से आएगा और जब स्विच को ओपन करते हैं तब ये काम होता है अगर बेटा एकदम जबरदस्त फील ले लिए हो मजा ले लिए हो तो तगड़ा आग लगा दो और मिलेंगे बेटा जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट क्लास में तो आज हमारा जो मकसद था वो पूरा होता हुआ है एक चीज अब हम डी ऑफ करेंट बस देखने वाले हैं हमने सारा कुछ देख लिया है इसका भी ईडी करंट का थोड़ा थियोरिटिकल है वो सब आप लोग एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय मस्त रहिए रहिए खुश और पढ़ाई करते रहिए और इसी तरीके से मस्त मजा लेते रहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोट्रोनोजी जियोलॉजी और पीडब्ल्यू का एकदम से इतना सिलेक्शन बनाइए कि मजा ही आ जाए बच्चों को पढ़ा के लगे कि यार पूरा इंडिया का डॉक्टर इधर से ही बन रहा है ठीक है बच्चों थैंक यू बच्चा लोग चलिए लव यू बच्चा लोग बाय बाय बच्चा लोग